ठीक है, तो ये नया टॉपिक है आज से, ठीक है। अब देखो ये चीज़ याद रखना, इकोनॉमी फिर बता रहा हूँ। अब देखो ये टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखो पीटी के फिक्स है, इकोनॉमी ज़्यादा टॉपिक नहीं, वहाँ से यार फिक्स है, वो हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता है। पर हाँ, वो जब भी क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, तो डेवलपमेंट फॉर्म में पूछता है, मतलब ऐसा नहीं कि वो पुरानी जैसे हिस्ट्री में क्या है जो पुरानी चीज़ें वो पूछ रहा है, इसमें ऐसा नहीं होता। जैसे मुद्रा, पहले तो आप पहले समझो इसको, बेसिक कॉन्सेप्ट से समझो, फिर इसका एडवांस फॉर्मेट क्या चल रहा है अभी, वो क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। तो ये हमेशा एक चीज़ याद रखना, ठीक है। इकोनॉमी देखो इसीलिए बोला जाता है कि सब्जेक्ट वाइज नेचर भी होना चाहिए, आपको पढ़ने का एक ही तरीका नहीं होना चाहिए। हिस्ट्री पढ़ रहे हो उसी उसी तरीके से आप इकोनॉमी अगर पढ़ना चाह रहे हो ना, इकोनॉमी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। पॉलिटी आप पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी को अगर उसी तरीके से पढ़ने चाहोगे तो नहीं होगा। तो हर सब्जेक्ट का एक अपना नेचर होता है और उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये चीज़ याद रखना। अब जैसे ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, परंतु याद रखना कि वो स्टैटिक पार्ट नहीं। अब इसमें जैसे पहले स्टैटिक पार्ट को समझ लो, मुद्रा क्या होती है, मुद्रा कैसे काम करती है, भारत की मुद्रा डॉलर है, मान लो कि रुपी है, डॉलर के साथ कैसे क्या संबंध है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब वो चीज़ याद रख रहे, वो करंट सिचुएशन में पूछ लेता जाके, भाई करंट सिचुएशन में अभी क्या हो रहा है। डॉलर अगर मान लो यहाँ से अपन पढ़ेंगे, अगर देखो डिमांड सप्लाई वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने जो पहली क्लास ली थी ना स्टार्टिंग की, 2-3 क्लास, वो जितनी इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना कि उससे सारी चीज़ें क्लियर होगी। वही सारी मुद्रा का जो सप्लाई वाला, डिमांड सप्लाई वाला जो खेल है ना, वो भी यहाँ पे भी काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, वो बेसिक क्लासेज थी, बेसिक मैं फिर बताऊँ, जहाँ कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गए ना इकोनॉमी में, और एक बार चीज़ें समझ में आने लग गई, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो याद करो मैंने शायद स्टार्टिंग में जो स्टोरी बताई थी कि बाटा सिस्टम आया था, पहले बाटा सिस्टम था, बाटा सिस्टम के बाद में मनी का सर्कुलेशन होने लगा, तो लोग फिर मनी से जो है लोग चीज़ खरीदने बेचने लगे, ठीक है। तो ये चीज़ अपन देखेंगे, मुद्रा आखिर क्या होती है। एक मुद्रा एक सांकेतिक माना, आप सोचो ना कि उस नोट का उतना मूल्य होता है, कि सोचो कि उसमें वजन, अगर वजन के हिसाब से देखो उस नोट का कोई मूल्य नहीं है, ठीक है। अगर आप वजन उसको तोलोगे तो क्या है, पर जैसे मान लो कि पहले 2000 का नोट था, उसमें कितना वजन होता है, 0 ग्राम, मतलब उस टाइप से होता है कुछ कुछ, पर सोचो उसका वैल्यू कितना है। तो ये वैल्यू क्या है, एक वास्तविक मान तो है नहीं, पर पहले की जो मुद्राएं होती थी तो इसी तरीके से होती थी। जैसे सोना है, सोने का, भाई भाई देख ध्यान से समझ ना, इसलिए थोड़ी चीज़ समझ में आएगी फिर, है ना। तो ये एग्जांपल समझ लो, जैसे पहले क्या होता था, पहले मान लो राजा महाराजाओं के ज़माने में पहले क्या होता, मान लो कि जैसे मान लो चांदी का सिक्का है, ध्यान से समझना। अब चांदी का मार्केट में चल रहा है भाव 100 kg का, 100 रुपये किलो चल रहा है, ठीक है। अब मान लो कि ये 10 ग्राम का है, ठीक है, तो 10 ग्राम का भाई सब ऐसी बात है, जितना होगा उतना उससे मान लो 10 ग्राम का होगा 10 रुपये के, ठीक है। तो ये पहले ऐसे होता था कि सांकेतिक मान नहीं होता था, ये पहले जो एक्चुअल जो मान है वही होता था, ठीक है, संपूर्ण मुद्रा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। परंतु तो आजकल क्या है, सांकेतिक मान है, वो जो 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 2000 रुपये लिखा रहता है, बस वो आरबीआई द्वारा लिख दिया जाता है, और उसमें आरबीआई की जो गवर्नर होता है उसका सिग्नेचर होता है कि मैं धारक को अदा करने का वादा करता हूँ, एक विश्वास है बस उस पर, ट्रस्ट है। ये सोचो नहीं, वो 2000 रुपये का, अभी जैसे मान लो 2000 का नोट जो बंद हो गया, अब तुम उसको मार्केट में लेके चले जाओ, कुछ काम का है वो, कुछ ही काम का नहीं है अब। तो ये चीज़ समझने का प्रयास करो कि आखिर में ये वाली जो चीज़ थी ये इम्पोर्टेंट थी, भाई सब ठीक है, सिक्के रुपये नहीं चल रहा है, उसको गला के बेच दो, चांदी बना दो, आभूषण बना दो, परंतु इस 2000 के नोट को अब तुम कुछ भी कर लो। वो एक जो चिल्ड्रन बैंक वाले याद है, बचपन में तुम लोग भी खेले होंगे कभी, तो वो उस तरीके से हो गया, अब वो कुछ काम का है नहीं। तो ये चीज़ हमने प्रयास करना है इस टॉपिक में कि क्या है आखिर में कॉन्सेप्ट, क्योंकि डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो क्या एक्चुअल मान होता है, क्या होता है, ठीक है। तो पहली चीज़ है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ठीक है, याद रखना, मुद्रा का कार्य करे, ये चीज़ समझने समझो। मुद्रा जैसे मान लो कि भाई टमाटर कितने रुपए किलो दे रहे हो, तो ये मान लो बताए भाई 5 रुपये किलो है, ये आपने क्या बता दिया, इसका मुद्रा बता दिया कि भाई ये 5 रुपये किलो है, तो ये 5 रुपये में आप खरीद सकते हैं इसको। तो मुद्रा ये चीज़ होती है जो सामने वाले की वस्तु का जो है कि कीमत तय कर देती है, ठीक है। मुद्रा का उद्देश्य है न्यूनतम लागत पर व्यापार को संभव बनाना, जिससे अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके, ये चीज़ ध्यान से समझना। अब जैसे मनी जो होती है, पहले सोचो कि बाटर सिस्टम चलता था, टमाटर के बदले गेहूं, अब उसमें कोई एक्सीडेंटली मैच हो जाता था तब तो खरीद लो, नहीं हो रहा तो मान लो कि आप जो खरीदना चाह रहे हो वो कोई सामने वाला लेने को नहीं तैयार जो आपके पास है उसके बदले में। तो ये तो भाई सब ऐसी बात है, बिजनेस करने का सबसे इजी तरीका है ताकि आप चीज़ें अच्छे से कर लो। जैसे मान लो पहले बाटा सिस्टम, मान लो कि ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है, इसके पास गाजर है
और इसके पास सेव है, पर इसको चाहिए टमाटर, ठीक है। और इसको चाहिए, मान लो सेव चाहिए, परंतु ये तो बोला कि नहीं मैं तो टमाटर के बदले एक्सचेंज करूँगा। अब सोचो ऐसे तो व्यापार करना कितना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, मतलब इतना ईजी टास्क है ही नहीं ना, ठीक है। तो सबसे पहले भाई, अब जैसे सोचो मान लो कि ए और ये दोनों बी व्यक्ति है, इसके पास सेव है, इसके पास गाजर है। अब ध्यान समझना, ये बोल दे मैं भाई गाजर का 10-10 रुपये केजी दे रहा हूँ, ये बोला मैं सेव 50 रुपये केजी दे रहा हूँ। अब इसको भाई तुम खरीद लो, मुद्रा से एक्सचेंज हो जाएगा, आराम से व्यापार हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा दोनों। अब इनके पास पैसे आएंगे तो सेव से टमाटर भी खरीद सकता है, कोई व्यक्ति थर्ड व्यक्ति होगा सी, उसके पास टमाटर है, तो ये पैसे लेके जाएगा और बोल देगा भाई मुझे इतने रुपये के, कितना रुपये केजी दे रहे हो, 5 रुपये केजी दे रहे हो तो मुझे दे दो। तो क्या हुआ, न्यूनतम लागत पर, ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी ना, और व्यापार को संभव बनाना जिससे अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, मुद्रा का ये काम होता है। अरे बेसिक बेसिक चीज़ें याद रखना, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मुद्रा के क्या क्या कार्य हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहले विनिमय का माध्यम देखो, विनिमय का माध्यम हुआ यहाँ पे, इसको सेव मान लो इस व्यक्ति को एक टमाटर चाहिए थे, ठीक है, तो इसने पैसा दिया और इसको टमाटर मिल गया, तो ये विनिमय मतलब एक्सचेंज हो गया ना, इसको टमाटर मिल गया, इसको पैसे मिल गए, ठीक। मूल्यमान की इकाई है, मूल्यमान की मतलब सबाई सी बात है, तुम भाई टमाटर कैसे दोगे, तो जब तक मूल्य तुम्हारे पास मुद्रा ही नहीं है भाई, 5 रुपये केजी दोगे, सोचो ऐसे। अब नहीं मान लो कभी आपने कभी गए हो मार्केट में, सब्जी मार्केट में गए, आप सोचो कि बोल रहा है कि नहीं भाई मैं एक मोबाइल के बदले मैं एक टमाटर दूंगा, ऐसे नहीं होता ना। आप वो जो बताएगा वो क्या बताएगा, भाई 5 रुपये केजी, ठीक है, 20 रुपये केजी, 25 रुपये केजी, इस अकॉर्डिंग बताता है ना। तो ये चीज़ याद रखना, मूल्यमान की इकाई है, ठीक है, मूल्य बता देता है वस्तु का भाई कितना है इसका। मूल्य के भंडार के रूप में भी काम आता है, ठीक है। मुद्रा, आप मान लो कि जैसे मान लो कि आपके पास कितने पैसे हैं, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, ये पैसे क्या है, मुद्रा ही तो है आपकी, ठीक है, तो आप भंडार के रूप में भी इसको दर्शा सकते हो। भविष्य के भुगतानों का मानक भी है, आपको फ्यूचर में कोई पेमेंट करना है, ठीक है, उसके लिए जैसे मान लो कि होता ना कि जैसे आप अपने बैंक से ओवर ड्राफ्ट या चेक काट सकते हो, कि उसमें एक लिमिट होती है व्यापारियों को, है ना, ये दिया जाता है कि आप जैसे मान लो कि 2.5 लाख तक आप अपने बैंक अकाउंट से 2.5 लाख का चेक काट के दे सकते हो, तो ये बहुत से भुगतानों का मानक है। तो ये क्या होता है कि मुद्रा एक रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये चीज़ छोटे छोटे काम इसका याद रखना, ठीक है। मुद्रा के विभिन्न स्वरूप देखेंगे। अब देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बना था 2018 में, ठीक है, 18 में ये क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट ये सीधा क्वेश्चन था, वैदिक मुद्रा क्या होती है, बस डायरेक्ट यही पूछा था। और मैं फिर बता रहा हूँ इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट समझो, इकोनॉमी जो क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं वो टर्मोलॉजी बेस्ड पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछ देते भाई ये क्या है बस, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो लीगल टेंडर मनी जो होती है विधिक मुद्रा, ठीक है। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ क्यों मैं बोलता हूँ कि इंग्लिश पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जैसे आप इस वर्ड को पढ़ोगे ना, लीगल टेंडर मनी, मनी तो मतलब समझ गए मुद्रा, जैसे देखो इंग्लिश पढ़ना क्यों जरूरी हो जाता है, जैसे इसको है ना इसी से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, मनी है भाई, मनी तो कुछ भी बस मुद्रा है, ठीक है। जैसे याद रखो 2000 का नोट भी मुद्रा है अभी, परंतु याद रखना लीगल टेंडर नहीं है उसके पीछे। जब जिस मुद्रा के पीछे लीगल टेंडर हो कि हाँ कानूनी हो कि हम इसको जैसे उसमें जैसे रहता है हम धारा को 200 रुपये अदा करने का वचन करते हैं, एक वो है गारंटी है, लीगल टेंडर है, तो ये चीज़ याद रखना। तो वो मना कि वो जो मनी कहलाती है विधिक मुद्रा कहलाती है। यदि किसी संस्था द्वारा, संस्था तो कौन करती है, RBI करती है, सुपरवाइजित कानून के अंतर्गत मुद्रा जारी की जाए तो उसे लीगल टेंडर मनी कहते हैं, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया था तो ये चीज़ याद रखना, छोटी छोटी टर्मोलॉजी याद रखना। दूसरा है फिड्यूशरी मनी, ये विश्वास आधारित मुद्रा, जिसका मतलब प्रचलन विश्वास के आधार पर हो रहा हो लोगों में, सामंजस्य से याद करो जो बाटर सिस्टम था, तो लोगों में आपसे में भरोसा था तभी चल रहा था वो चीज़ें, ठीक है। विश्वास आधारित वह मुद्रा जो जारी करने वाली संस्था के विश्वास पर आधारित होती है, ये वित्तीय व्यवस्था को सुचारू रूप से गतिमान बनाए रखने के लिए आवश्यक सहयोगी। जैसे मैं वही बता रहा हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में यही बोला कि जैसे मान लो कोई नोट है, अब सोचो वो नोट में अपन विश्वास कर रहे हैं भाई, ठीक है RBI है, ठीक है, तभी तो चल रहा है ना। नहीं तो सोचो कि अगर जैसे मान लो कि अब 2000 का नोट है, अब उस पर विश्वास नहीं है ना, क्योंकि भाई स्वाभाविक सी बात है कि RBI का उसने हाथ, RBI ने तो हाथ जोड़ दिया कि हम अब इस नोट को नहीं मानते, तो वो अब लोगों में स्वाभाविक सी बात है उस नोट को लेके जाओगे तुम, सोचो वही नोट था पहले, तुम 2000 जाके सामान खरीद रहे थे, अब वही नोट लेके जाओगे, नोट तो आज भी वही है, परंतु क्या है इसमें विश्वास नहीं रहा। विश्वास क्यों नहीं रहा कि भाई स्वाभाविक सी बात है जो संस्था थी उसने गारंटी देने से मना कर दी। तो ये चीज़ याद रखना कि किसी भी मनी को, अरे हाँ एक और चीज़ याद रखना, जैसे मान लो कि आजकल आपने आप लोगों ने फेस किया होगा कि जो सिक्के होते हैं, सिक्के लोग मोस्टली लेते नहीं हैं,
बोलते नहीं है ये चलते नहीं है, इस टाइप का आपने भी झेला होगा। तो ये चीज़ें क्या है, ये इसका मतलब है कि ये ट्रस्ट कम हो रहा है उस मुद्रा पर, ठीक है। इसलिए आरबीआई हमेशा सर्कुलेशन में निकालती है कि नहीं, अगर ऐसा कोई कर रहा है तो आप कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि उस मुद्रा का ट्रस्ट कम हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। फेट मनी क्या होती है, ठीक है, बाध्यकारी मुद्रा, वह मुद्रा जिसके स्वीकार करने बाध्य हैं। अब जैसे मैं वही बता रहा हूँ, जैसे आरबीआई ने बोल दिया कि जैसे 10 रुपये का सिक्का, नहीं इसमें बहुत दिक्कत आ रही है बहुत सारे यहाँ तक, है ना, मतलब जो बहुत सारे भिखारी लोग वो भी नहीं लेते हैं, वो बोलते हैं कि नोट चलता ही नहीं। आप लोग भी, मैं से बता रहा, बहुत सारे लोग ये चीज़ झेले होंगे कि जो 10 रुपये वाला सिक्का आता है ना, उसका लोग नहीं लेते हैं, मोस्टली दुकानदार मना कर देता है, ठीक है। तो परंतु अब क्या है, अगर मान लो कि ये बात आरबीआई को पता चलती है, तो आरबीआई क्या होगा, फोर्सेबल कर देगा इस चीज़ को कि नहीं भाई ये ऐसे क्या कह सकते, आपकी कानूनी कार्रवाई हो जाएगी आपको। तो यहाँ रखना कि उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तो उसको बोलते फेट मनी, ठीक है, बाध्यकारी मुद्रा। तो छोटी छोटी चीज़ें समझ लेना, बस ये चीज़ याद रखना, और ट्राई करोगे हमेशा एग्जाम्पल से याद करने रखोगे तो लॉन्ग टाइम तक याद रखना, ठीक है। ऑप्शनल मनी वैकल्पिक मुद्रा, वह मुद्रा जिसे स्वीकार करना बाध्य नहीं, ठीक है, याद रखो। जैसे क्या होता है, जैसे अगर मान लो कि मैं 1 लाख रुपए किसी को, मान लो मैं दृष्टि में गया, मैं 2 लाख रुपए जमा करना चाहता हूँ, ध्यान से समझना, मैं 2 लाख रुपए जमा करना चाहता हूँ और मैं 1-1 रुपए के सिक्के लेके चला गया तो तुम्हें क्या लगता है वो लोग जब एक्सेप्ट करेंगे उसको? नहीं, वो बोलेंगे भाई सब एक सी बात है, तू 2 लाख रुपए जमा करा इसको, भाई तो नोट नोट में ले आ भाई, ये इसके अलावा एक ऑप्शन भी है ना, तो वो मना कर सकते हैं ये 1 रुपये लेने से, ठीक है। इसीलिए है ना आरबीआई ने बनाया हुआ, अभी अगर आप आरबीआई के कानून में जा, कॉइन्स एक्ट है उसमें जाके पढ़ोगे ना, उसमें ऐसा है कि आप कितने रुपए तक कैश में, मतलब वो कितने रुपए तक जो है सिक्कों में दे सकते हो, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। ज़्यादा नहीं, उसमें शायद ऐसा है कि 100 रुपये तक आप दे सकते हो मोटा मोटा। अब ऐसा नहीं एक मैं 2 लाख ले जाऊँ 1-1 रुपये का सिक्का लेके, तो स्वाभाविक सी बात है, तो वो बाध्य नहीं है कि उस चीज़ को माने, ठीक है। अगला है पटना में सर एक चिल्ड्रन बैंक है सर, वो हाँ 1 रुपए से सिक्के लेकर 10 रुपए तक के सिक्के लेते हैं सर, वो सारे जो होते हैं ना भिखारी मांगने वाले सारे उसी बैंक में जमा करते हैं। अच्छा, हाँ तो बैंक कर सकता है ना, पर तो जैसे मोस्टली किसी, आप मान लो किसी दुकान पे जा रहे हो, वो मना कर सकता है आपको सामान नहीं दे सकते, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते कि मेरे को सामान नहीं दे रहे हैं, दृष्टि में मैंने मान लो सोचा मैंने 2 लाख रुपये जमा करा रहा हूँ 1-1 रुपये सिक्के, तो मना कर सकते हैं मेरे को, वो बोलेंगे भाई सबाई बात है इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल है तो आप वो लाओ ना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अगला टोकन मनी, ठीक है, सांकेतिक मनी मुद्रा होती है, ठीक है। अब देखो ये जो अपन जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो चल रही है, ठीक है, वह मुद्रा जिसका अंकित मान वस्तु मान से अधिक हो, तो मैं वही बता रहा था कागज़ की मुद्रा ऐसा जो उसका कुछ भी वैल्यू नहीं है ऐसे, तो अगर आप देखोगे तो कागज़ में कितना ऐसा, मतलब रद्दी कितने रुपए किलो, यार मेरा न्यूज़ पेपर इतने वो महीने से पड़ा है कोई खरीद नहीं रहा, वो 10 रुपये किलो भाव दे रहे हैं तो स्वाभाविक ही बात है वो भी कागज़ ही का टुकड़ा ही है ना जो मनी होती है, परंतु उसमें वो आरबीआई की तरफ से लिखा रहता है, अर्जुन पटेल जो है वो गारंटी देता है, बस उसी से उसका वजन बढ़ जाता है। तो वो क्या, जो वह मुद्दा जिसका अंकित मान, सर अभी तो गारंटी शक्तिकांत दास से शायद वो है ना, हाँ गवर्नर है ना आरबीआई का, गवर्नर तो आपने भी नाम दूसरा लिया ना, अरे जो उर्जित पटेल, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, उर्जित पटेल तो पुराना था, वो शक्तिदांश है अभी, है ठीक है। तो मतलब वो भी उस टाइम का नोट भी तो मिलेंगे ना, और तुम क्या बात कर रहे हो, आज भी वो पुराने नोट तो सर्कुलेट होते रहते हैं ना, उसमें तो लिखा रहता है उर्जित पटेल द्वारा वो मोड तो बात, हमें तो अब का लर्न करके रखना है ना। अरे हाँ, मतलब मैं बता रहा हूँ कि मतलब ठीक है, मतलब मेन तो कि आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो गारंटी देता है अपनी तरफ से, ठीक है, वो चीज़ होती है। अब सुनो, जैसे मैं बता रहा, जैसे 2000 का नोट है उसका, उस ऐसे ही तो कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है, पर तो ऐसे पर तो 2000 रुपये की वैल्यू है उसकी, ठीक है, ये चीज़ समझना। अंकित मान वस्तु मान से अधिक होता है, वस्तु का मान तो हो सकता है इसका 1 रुपये भी ना हो, परंतु तो अंकित मान कितना है 2000 रुपये। परंतु पहले की जो मुद्राएं होती थी उसमें ऐसा नहीं होता था, तो पूर्ण टोकन, पूर्ण देखो ये आ गया, ठीक है, पूर्णकाय मुद्रा, इस मुद्रा का अंकित मान वस्तु के मान के बराबर होता था। अब मैं इसके तुम्हें एक बताता हूँ एग्जाम्पल, याद करो 5 रुपये का अगर आप लोगों ने पहले कोई सिक्का, एक मोटा सा सिक्का यूज किया है कभी, 5 रुपये का 1 रुपये का मोटा वाला सिक्का आता था 2 रुपये, ठीक है, ठीक है। इसका क्या होता था ना, बांग्लादेश जो बॉर्डर है सीमा पर, उसमें पढ़ोगे आप तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि इसका, जैसे मान लो कि ये 5 रुपये का ही है, ठीक है, इसको क्या करता था भारत से, इसको इसीलिए है ना, कभी आपने सुना भी होगा कि भाई 5 रुपये का सिक्का मिल जाए, 1 रुपये सिक्का मिल जाए तो इसका मतलब इतना दाम मिल रहा है, इस टाइप से। तो ये लोग क्या थे, यहाँ से लेके चुरा के लेके जाते थे
और यहाँ पे इनको गलाते थे बांग्लादेश में। अब वो क्या करते थे, गला के इनको ब्लेड में बेचते थे, ध्यान से समझना इस चीज़ को, ब्लेड बना के बेचते थे। तो सोचो कि ब्लेड का शायद अभी अभी कितने रुपए मिलता, मुझे तो बहुत सालों हो गए खरीदे, ब्लेड जो होती है ना वो 1 रुपए के उस टाइम भी मिलती थी ज़माने में, मुझे याद है। तो इससे क्या फ़ायदा होता था, 5-5 रुपए के से सिक्के से वो 10-10 ब्लेड बना लेते थे। तो सोचो कि वो 10 रुपए कमा रहे हैं इस 5 रुपए से, तो ये सिक्कों का वो हेर फेर हो रहा था। तो इस कारण पे सरकार ने ये जो है इसीलिए बंद कर दिया। इसीलिए सोचो कि है ना वो 1 रुपए का लाने लग गए, ठीक है। सोचो आजकल जो 1 रुपए का जो सिक्का है, 2 रुपए सिक्का, वो सोचो कितना 5 रुपए का, एक तो कुछ भी वजन नहीं होता उसमें। वो इसीलिए किया गया है क्योंकि ये होने लग गया था, ये चीज़ समझना, ठीक। अगला है बैंक मनी, साख मुद्रा जो होती है, इसका तात्पर्य बैंक द्वारा सर्जित साख सर्जन से होता है। साख सर्जन आपने समझाया था, जैसे बैंक क्या होता था कि यहाँ से RBI से लोन ले रहा है, ठीक है, फिर लोगों को दे रहा है, तो यहाँ से जो क्रेडिट कर करके वो पैसा जो है कमा रहा है, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन से जो आई प्राप्त होती है या जो मनी प्राप्त होती है उसको बैंक मनी बोलते हैं, ठीक है। हॉट मनी भी UPSC में पूछा हुआ है, ठीक है। वह मुद्रा जिसके वित्तीय बाजार से पलायन करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, याद रखना है, FIT विदेशी संस्थागत निवेशक होते हैं। जैसे इसका मैं बताता हूँ, देखो हॉट मनी का मतलब क्या होता है। देखो जैसे मान लो कि जैसे अपना जो सेबी, मान लो कि जो शेयर मार्केट है इसमें पैसा लगा रहता है बाहर से, ठीक है, ध्यान से समझना। अब बहुत सारे लोग पैसा लगा के रखे हैं, अब पता लगा कि जैसे रिलायंस में पैसा लगा के रखे हैं, पता लगा कि कल जो है रिलायंस का शेयर मतलब कि कुछ ना कुछ हो गया, बहुत बड़ी घटना हो गई है, तो यहाँ से होने वाला, तो फट से यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ध्यान से समझना, हॉट मनी का मतलब मैं थोड़ा एक सेकंड कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जैसे समझ में आ जाएगा। हॉट मनी जैसे मान लो कि बहुत गर्म चीज़ होती है, तो आप कोई गर्म चीज़ को छूते हो तो क्या होते हो, जैसे मान लो हाथ आप लेके गए तो वहाँ से फट से हटा लोगे ना। तो ये ऐसी मुद्रा होती है जिसके बाद सब ऐसी बात है वित्तीय बाधा से प्लान की ज़्यादा प्रवृत्ति होती है। तो ये चीज़ याद रखना कि फट से आप जो गर्म वस्तु रहेगी वहाँ से पैसे अपना हटा लोगे ना, मतलब हाथ हटा लोगे ना, तो वैसे होता है। तो जैसे मान लो कोई चीज़ है, मान लो इसीलिए आशियन जो कंट्रीज है तो वहाँ पर ऐसा ही हुआ था कि वहाँ ने उन्होंने क्या कर दिया था, रुपए कन्वर्टिबिलिटी आगे आएगा ये कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पे कर दिया था पूरा। तो वहाँ पे शेयर मार्केट में एकदम बहुत पैसे लगे हुए थे, अचानक से वहाँ पे कुछ झगड़ा मतलब आंतरिक कलह हुआ, तो सारे लोग एकदम भाग गए वहाँ से, ठीक है। तो वहाँ से कॉन्सेप्ट आया था हॉट मनी का, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अगला मनी सप्लाई का, मुद्रा आपूर्ति, ठीक है। तो मैं यही कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था कि मार्केट में आपने जैसे उस टाइम देखा था आपने कि भाई बैंक जो पैसे मार्केट में कितना छोड़ रहा है, मनी सप्लाई कितनी है, ठीक है, तो मनी की डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, तो उस तरह के कॉन्सेप्ट है, उस पर क्वेश्चन आते हैं। तो वही जो चीज़ें हैं किसी वस्तु की डिमांड पे आधारित होता है, वैसे मनी की सप्लाई पे भी आधारित होता है। अर्थव्यवस्था में किसी निश्चित समय बिंदु पर उपलब्ध मुद्रा की कुल मात्रा को मुद्रा आपूर्ति कहते हैं, ठीक है। जैसे आज मैं जैसे सोचो कि अभी मैंने डिसाइड कर दिया कि आज 11 बजे या मान लो आज रात के 12 बजे बैंक से कितना पैसा है, कितने मान लो किसी एक बैंक से कितना पैसा जो बाहर गया हुआ लोन के रूप में, इन सारी चीज़ों के रूप में, तो मान लो कि उसका जो टोटल आईडी लगाया जाए 100 रुपये गए हुए हैं, ठीक है। अब मान लो कि अगले दिन 12 बजे फिर पता किया जाएगा तो पता लगा 200 रुपये, तो इससे क्या हो रहा है, मनी की सप्लाई बढ़ रही है मार्केट में, ठीक है। अब सोचो कि दूसरे दिन ऐसा हुआ कि 100 रुपये मान लो कि बाहर जा रहे थे पर 500 रुपये अंदर आ रहे थे, मतलब जमा कर रहे थे लोग बैंक में, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मनी की सप्लाई जो कम हो जाएगी, लोग जो लोन कम ले रहे हैं अब ज़्यादा पैसे जमा कर रहे हैं। तो मैंने बताया था कि जब ब्याज दरें बढ़ा दी जाती है तो वो चीज़ सारी चीज़ें आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, मुद्रा आपूर्ति एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तथा इसका काल आयाम टाइम पीरियड नहीं होता है, ठीक है, कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। ये तो समझ बात है कि आपको नापना पड़ना, तो एक विशेष परिस्थिति लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप किसी एक फिक्स होता है इसका। मुद्रा के स्टॉक का अर्थ है जनता द्वारा धारित स्टॉक, यह निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में एक समय बिंदु पर उपलब्ध मुद्रा की कुल मात्रा को दर्शाता है। मुद्रा आपूर्ति में मुद्रा के केवल उस स्टॉक को शामिल किया जाता है जो जनता के पास होता है, अर्थात मुद्रा का वह स्टॉक जो मुद्रा जारी करने वाली संस्था के पास होता है, ठीक, उसे शामिल नहीं किया जाता। ये चीज़ याद रखना, इसमें जो मुद्रा सप्लाई में अपन देखेंगे भाई जनता के पास कितना पैसा है, मनी का सप्लाई याद रखना कि किसी बैंक में रखा हुआ वो नहीं, लोगों के पास कितना पैसा है, कितना कैश फ्लो है, तो ये चीज़ याद रखना। जनता शब्द के अंतर्गत केंद्रीय बैंक तथा सरकार को शामिल नहीं किया जाता, अर्थात शेष आर्थिक इकाइयाँ जनता शब्द में शामिल होती है, याद रखना, कंपनियाँ अपने सब आएगी परंतु केंद्रीय बैंक नहीं आएगा ना सरकार आएगी, ठीक। मनी सप्लाई को निम्नलिखित अवधारणाएं हैं, तो ये चीज़ M1 शायद आपने पढ़ा भी होगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसी के आधार पर लिक्विडिटी का क्रम पूछा गया मुद्रा का मापन है सर। हाँ, वो लिक्विडिटी
भाई कितना आप मार्केट में सप्लाई हुई है कितना, तो उस आधार पे किस आधार पे नापा जाता है, तो ये उसके फॉर्मूले होते हैं। तो इसमें एक ऑर्डर ये पता जरूर कर लेना कि कौन सा ज़्यादा है क्या है सब, ठीक है। सबसे पहले देखो M1 नागरिकों के पास केस में, जैसे मान लो कि आज अमित के पास 100 रुपये रखे हुए हैं, ध्यान से समझना। बैंकिंग प्रणाली में मांग जमा, ठीक है, जो अमित के जो है ना बैंक में पड़े 500 रुपये, ये तो केस है, ये जो बैंक में जमा है, ठीक है, मांग जमा समझ में आया, मतलब जाओ कभी भी तुम पैसे निकाल के ला सकते हो बैंक में जो पैसे रखे हो। RBI के पास अन्य जमाएं जो होती है, ठीक है, RBI के पास जो मान लो कि जो बैंक लोग जमा करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें बैंक का याद रखना। RBI का पैसा, RBI के पास तो सोचो नोट छापने की मशीन ही है, वो तो पता नहीं कितने नोट छाप देगा। तो ये जो बैंक जो होते हैं उनकी जो जमा होती है, यहाँ पे याद करो अपने देखा था केस रेशियो में वहाँ जमा करते हैं, ठीक है, मान लो कि लोन वोन लेते हैं तब करते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये तीनों चीज़ें आएगी M1 में, ठीक है, तो ये इसको नैरो मनी भी कहते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो केस में, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट वाला और OD वाला। सर इसको एक बार फिर से, सर एक बार इसको फिर से, सर सी क्या है, सर डी क्या है, वो क्या है? देखो सुनो, ये आती है सी वाला जो आएगा केस के रूप में, जो नागरिक के पास केस में अवेलेबल है, ठीक है, ये होता है डिमांड डिपॉजिट वाला, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट मतलब कि जो तुम्हारे बैंक में जमा है पैसे, तुम जाके कभी भी उसको निकाल सकते हो। फिक्स डिपॉजिट वाला नहीं, याद रखना ये चीज़, डिमांड डिपॉजिट वाला जो मतलब जैसे मान लो आपके अकाउंट में 50,000 पड़े और कभी आप ATM से पैसे निकाल सकते हो, ये वो वाले पैसे की बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं जो FD में लगा दिए उसकी बात नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। फिर आता है ऑकरिंग डिपॉजिट, ये आती है जो मान लो कि बैंकों की जमा होती है RBI के पास, ये उसकी है, आवर्ती जमा भी बोलते हैं इसको, ऑकरिंग ऐसे करके, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। इसको संकीर्ण मुद्दा बोलते हैं, नैरो मनी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो अगला, देखो ये जो सारी चीज़ें तो है ही, M2 में क्या आ जाएगा, M1 तो सारा जो है पोस्ट ऑफिस में बचत जमा, मतलब पोस्ट ऑफिस में आपके सेविंग अकाउंट खोल के रखा आपने, ठीक है, तो मैंने बताया भी था पोस्ट बैंक खुला था, इस टाइप के पोस्ट बैंक को जो डाकिया वाकिया, तो वहाँ जो पोस्ट ऑफिस हो तो उसी को बैंक में आजकल कर, वहाँ आप जाके जमा कर सकते हो। तो आपका पोस्ट ऑफिस में जो बचत जमा है, आपकी सेविंग जो डिपॉजिट है, उसको बोलते हैं M2, ठीक है। आगे देखो M3 में क्या आ जाएगा, M1 आएगा, ये तीनों चीज़ आएगी, उसके साथ बैंकिंग प्रणाली में समय टाइम जमा, फिक्स डिपॉजिट जो होता है, याद रखो FD हो गया, इस तरीके के जो आपके पैसे जमा है बैंक में, ठीक है, इसको ब्रॉड मनी बोला जाता है, याद रखना, व्यापक मुद्रा है ये नैरो मनी है। तो M1 को नैरो मनी बोलते हैं, नैरो मनी में क्या आता है ये पता होना चाहिए, ब्रॉड मनी में क्या होता है, ठीक। M4 में क्या होगा, M3 में जो ये M3 आया था, ठीक है, और उसमें अगर पोस्ट ऑफिस में समस्त जमा हो राष्ट्रीय बचत पत्र को छोड़कर, तो ये चीज़ याद रखना, वो सब क्या कहलाएगी, M4 कहलाएगी। अब मैं फिर बता रहा हूँ जो ये चीज़ें, चलो ठीक है, वो इतना ज़्यादा नहीं, UPSC कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन पूछता है ये, हाँ अपन PCS VCS में डायरेक्ट M2 M3 डायरेक्ट ही पूछ लेता क्या होता है, तो थोड़ा उस तरीके से रट लेना भाई, ठीक है। तरलता का क्रम क्या होता है, UPSC ये पूछता है भाई। लिक्विडिटी ध्यान से समझना, तो मैंने उस दिन ही बताया था लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, कि तुम कितनी जल्दी उसको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी सब क्या है, केस में ही है, यहाँ पे भी लगभग केस, तुम बैंक में जाओ कभी भी पैसे निकाल सकते हो, यहाँ पे भी कभी निकाल सकते हो, सबसे ज़्यादा तरल तो यही है, तो M1 सबसे ज़्यादा तरल है, ठीक। M2 से थोड़ा कम है, क्योंकि M1 वाला पार्ट है इसमें M2 में, ठीक है, परंतु इसमें सेविंग बचत होती है आपकी, ठीक है, तो ये भी निकाल सकते हो, ठीक है, पर उसकी कंपैरिजन में ये कम है, क्योंकि सेविंग बचत होती है तो आप इतना जल्दी जाके नहीं निकाल सकते, ये चीज़ याद रखना। तो M2 थोड़ा बहुत उससे कम तरल है, ठीक है। M3, अब देखो M3 में तो फिक्स डिपॉजिट आ गए, अब फिक्स डिपॉजिट तो भाई तुड़वाना इतना ईजी नहीं है ना, वो बहुत प्रोसेस होती है, पहली बार निकाल नहीं सकते, ठीक है, तो M3 उससे कम हो जाएगा। M4 में तो समझ में आता है, M4 में ऑलरेडी M3 इंक्लूड है, इसमें ये और आ गया है, तो ये आ गया तो और ज़्यादा ये कम लिक्विड हो जाएगा। तो बताओ ये चीज़ समझ में आई, ये फिर बता रहा, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में पूछे गए हैं पहले UPSC में। कोई कुछ बोल रहा है? जी जी सर समझ आ गया, ठीक है, मैं एक और एग्जांपल बता समझ आ गया। एक और चीज़ सुनो, ध्यान समझना, जैसे मान लो कि आपके पास नोट है, ठीक है, मान लो कि आपके पास 100 रुपये का नोट है, ध्यान समझना, एक आपके पास है 100 रुपये का गोल्ड सोने की चेन है, ठीक है, एक है आपके पास 100 रुपये का प्लॉट है, मतलब ज़मीन है कोई, ध्यान समझना,
अब इसके लिक्विडिटी क्रम बताओ, किसके तरलता सबसे ज्यादा होगी। तरलता मतलब ये चीज ध्यान से समझो कि पहली बात को उस चीज को लेके आप जाके मार्केट से कोई भी चीज जो मन चाह आप खरीदना चाह रहे हो वो खरीद सकते हो आराम से, ठीक है। देखो 100 रुपये का नोट है, आराम से आप मार्केट में जाओगे कुछ भी जो चाहते हो आप खरीद के ले आ सकते हो। अब ध्यान से समझना, गोल्ड की चेन लेके गया भाई, कोई दुकानदार सब्जी वाला आपको गोल्ड की चेन के भरोसे वो दे देगा आपको सब्जी? अब मान लो ठीक है वो गोल्ड दे के दे सकता है वो अलग बात, पर समझो मतलब इसके क्या होगा, तरलता इसी कम है। अब एक जमीन का टुकड़ा लेके जाओगे तो कोई आपको सब्जी दे देगा? नहीं देगा ना, कंपेरिजन तो इसके ये सब काम इजिली हो जाएगा, तो तरलता इसकी ज़्यादा है। याद रखना कि जमीन की कंपेरिजन में जो गोल्ड होता है उसकी तरलता, क्योंकि गोल्ड के बदले जल्दी पैसा मिल जाता है, जमीन को तो भाई जिसको जरूरत होगी वही तो खरीदेगा, इसकी लिक्विडिटी सबसे कम है। तो इस टाइप से यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है, मतलब वो ये नहीं पूछेगा आपसे लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट, वो इस आधार पर पूछता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अगला है हाई पावर्ड मनी, ठीक है, उस शक्ति मर्दा, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में। हमें फिर बार बार पेपर देखते रहो, बार बार जो कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया जाता है उसका जाके क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास किया करो, ठीक है। आरबीआई की संपूर्ण मौद्रिक देयता को उच्च शक्ति मुद्रा कहते हैं, ये चीज़ याद रखना। जितनी भी आरबीआई की जो लाइबिलिटी है, ठीक है, तो उसको जो है मौद्रिक जो देयता है उसको उच्च शक्ति मुद्रा कहते हैं, तो ये चीज़ याद रखना। इसके अंतर्गत नागरिकों के पास मुद्रा, वाणिज्य बैंक के पास संग्रहित राशि, देखो ध्यान से समझना, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इसलिए तो देखो नोट पे क्या लिखा देता है आरबीआई के जो गवर्नर जो भी रहता है शक्तिदांश है उसके द्वारा जो लिखित रहता है कि मैं धारक को अदा करने का वादा करता हूँ, ये क्या है, यही तो है हाई पावर्ड मनी, ठीक है। तो ये किसके पास रहती है, लोगों के पास मुद्रा रहती है, वाणिज्य बैंकों के पास संग्रहित राशि, सरकार द्वारा आरबीआई के पास जमा राशि शामिल होती है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इसे आधार मुद्रा भी कहते हैं, बेस मनी भी कहते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि यह नई मुद्रा के निर्गमन का आधार है। इसके आधार पर ही कोई नई, जो मान लो कि आरबीआई जो है अपने नए पैसों का क्रिएशन कर सकती है, नए और पैसे छाप सकती है, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आरबीआई पैसे छापते रहेगा। मुद्रा आपूर्ति की मात्रा अर्थव्यवस्था में उपलब्ध उस शक्ति मुद्रा से अधिक होती है, ठीक है, क्योंकि वाणिज्य बैंक साख सृजन का कार्य भी करते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, जो मनी सप्लाई की मात्रा होती है अर्थव्यवस्था में उपलब्ध उस शक्ति मुद्रा से अधिक होती है क्योंकि वाणिज्य बैंक साख सृजन का कार्य करते हैं। याद करो, शायद मैंने वो कॉन्सेप्ट समझाया था आप लोगों को उस दिन, जैसे मैंने क्या बोला था, जैसे मान लो कि बैंक है, ये ध्यान समझना, ये मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, अब ये 100 रुपये का लोन इसने लिया, बस हमारी बात है, इसमें 100 रुपये की तो ले लिया इसने लोन, तो सेंक्शन करवा लिए, परंतु ध्यान समझना, अब ये क्या कर रहा है कि इसको तो 10 रुपये जरूरत थी, अभी सेंक्शन तो हो चुका है, परंतु इसको 10 रुपये की जरूरत, अभी 10 रुपये यूज कर रहा है, अब बैंक के पास ये 90 रुपये पड़े रहते हैं, तो बैंक क्या करता है, इसको और मार्केट में छोड़ देता है, ये भी किसी को और को दे देता है, यही 100 रुपये, समझ रहे हो। तो ऐसे मल्टीपल होते चले जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि जो जो बैंक जो साख सृजन का कार्य करते हैं उससे जो मुद्रा आपूर्ति की जो मात्रा है अर्थव्यवस्था में उपलब्ध उच्च शक्ति मुद्रा से अधिक होती है, होगी सब की बात है, तो रियल में 100 रुपये है ना, परंतु सोचो कि जो बैंक वाले कितनी जगह 100 रुपये से 1000 रुपये बना देते हैं, वो है रियलिटी में 100 रुपये, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, तो जब ये ज़्यादा होगा तो अपन रियलिटी में तो 100 रुपये ही है ना, तो उससे तो ज़्यादा है ही, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट बताया है यहाँ पे, तो ये अगला यही है मुद्रा गुणांक, ठीक है। अब आगे देखो, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति, ठीक है, अर्थव्यवस्था मतलब मनी कितना सप्लाई हुआ हुआ है, तथा उस शक्ति मुद्रा के अनुपात को मुद्रा गुणांक कहते हैं। मैं वही बता रहा था, जैसे मान लो ये 1000 रुपये है, रियलिटी में तो 100 रुपये है हाई पावर, तो इसका जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं मुद्रा गुणांक। तो मैं वही मनी मल्टीप्लायर उस दिन भी बोल रहा था, यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था कि मनी मल्टीप्लायर कैसे बढ़ेगा, मैंने बताया भी था उस दिन कि जब सबाई सी बात है लोग बैंकों में क्या करेंगे, जब लोगों की बैंकिंग हैबिट बढ़ेगी, 100 रुपये की जगह 200 रुपये, तो सबाई सी बात ऑटोमेटिक 1000 की जगह कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, और ज़्यादा करते चले जाएंगे, ठीक है। तो सामान्यतः इसका मान 1 से अधिक होता है, तो मुद्रा गुणांक याद रखना, मुद्रा की जो कितनी आपूर्ति हुई है उस शक्ति मुद्रा, जैसे रियलिटी में 100 मुद्राएं थी, पर एक M3 का मतलब होता है सर CRR, M3 का मतलब होता है CRR सर। अरे मुद्रा की जितनी सब CRR क्या बोलो, केस रिजर्व रेशियो, हाँ सर। अरे नहीं, क्योंकि सर हाँ सर M3 में लिखा हुआ है सर M1+ टाइम डिपॉजिट। अरे ये M3 मत समझो इसको, तुम इस ये समझ रहे हो क्या? हाँ मैं यही तो समझ रहा हूँ। देखो सुनो, मतलब वो ठीक है
अब इसमें देखो ऐसे तो इसमें सब आएगा, ये नागरिक के पास कैश जमा है, बैंकिंग प्रणाली जमा है, RBI के पास अन्य जमा है, फिर उसके बाद में जो तुम्हारे टाइम डिपॉजिट आता है वो सब आते हैं इसमें, इसीलिए इसको व्यापक मुद्रा कहते हैं। मैं जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ समझो, मुद्रा की आपूर्ति का मतलब ये होता है कि स्वाभाविक सी बात है मुद्रा कितने सप्लाई है मार्केट में, ठीक है, कितनी छुट्टी हुई है, ठीक है, और उस शक्ति मुद्रा मतलब मैंने वही बताया ना, 100 रुपये है, ठीक है, परंतु सोचो कि 100 रुपये से बैंक कितना कर देते हैं, 1,000 है रियलिटी में, वो 100 रुपये ही, समझ में आया। RBI ने तो 100 रुपये जारी किए थे, परंतु जो बैंक होते हैं उसको साक्ष्य सृजन करके कितना बना देते हैं, 1,000 रुपये, रियलिटी में तो है 100 रुपये ही, इसलिए देखो इसका मान 10 आ गया, ठीक है, एक से अधिक ही होता, कभी कम नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि मार्केट में 100 रुपये RBI ने छोड़ा था और उसका 90 रुपये हो गया, ऐसा होता है क्या, ये तो फिर घाटा हो जाएगा, समझ में आया ना, तो ये चीज़ याद रखना। तो इसीलिए देखो साक्ष्य सृजन क्षमता बढ़ती है तो M3 भी बढ़ता है और मुद्रा गुणांक भी बढ़ता है, ठीक है। तो मुद्रा गुणांक कब बढ़ेगा, जब लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि होगी, यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था UPSC ने, अरे 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, तो ये मैंने उस दिन भी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था आप लोगों का, ठीक है। तो लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि से बैंक की साक्ष्य सृजन क्षमता बढ़ जाती है, परिणाम स्वरूप M3 में वृद्धि होती है तथा मुद्रा गुणांक का मान बढ़ जाएगा। इसी प्रकार CRR SLR में वृद्धि से M3 के मान में कमी आएगी और मुद्रा गुणांक का मान घट जाएगा, तो मैंने उस दिन बताया था, देखो ध्यान से समझो। तो अमित इसको CRR क्यों समझ रहे हो, ये M3 ये है, ठीक है, इसमें ये सब आएगा। देखो मैं अभी समझा देता हूँ कॉन्सेप्ट समझो, इस मान लो ये बैंक है, आप सोचो कि इस बैंक के पास पहले 100 रुपये जमा थे, ठीक है, लोगों ने कम ही पैसे जमा कराए यहाँ पे, ठीक है, तो ये 100 रुपये पे सब ऐसी बात है, इसको क्या करना पड़ेगा, CRR भी करना पड़ेगा कुछ 4%, SLR इसको 20% कर रहा है, ठीक है। अब सबाई सी बात है कि पहले अब ये सबाई सी बात है लोन में कितना रुपये दे सकता है, 76 रुपये दे सकता है। अब सोचो ये बढ़ गया है, RBI ने बढ़ा दिया, इसको कर दिया 10, इसको कर दिया 30, अब सबाई बात 40, अब इसके पास 60 रुपये बचे, तो इससे क्या होगा, अब ये 60 रुपये का मनी मल्टीप्लाई ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि सबाई मतलब 60 रुपये, सोचो कि पहले मान लो इस 76 रुपये थे, 76 रुपये तो बहुत जगह बांट सकता था ये पैसे, मतलब मान लो इसको 10 गुना कर दिया, तो 10 गुना कर दिया तो 760 हुआ, ठीक है, और इधर कितना कर पाएगा, 600 ही है, पर रियलिटी में कितना ही है, 100 रुपये ही है, पर ये कितना गुना कर रहा था, ठीक है, तो ये मनी मल्टीप्लाई जब ऑटोमेटिक कम हो जाता है जब CRR और SLR बढ़ता है, तो ये चीज़ याद रखना, समझ में आ गया ना ये चीज़ क्यों कम हो जाएगा। सबाई बात है जब CLR SLR बढ़ जाएगा तो उसको लोन बांटने का जो राशि है वो ऑटोमेटिक क्या है, कम हो जाएगी। अब सोचो 100 रुपये थे, अब बैंक मान लो कि लोगों का बैंकिंग वित्तीय समावेशन हो गया, लोग बैंक में बहुत ज़्यादा पैसे डाल रहे हैं ज़्यादा, अभी 100 रुपये जगह बैंक के पास 500 रुपये हो गए, अब ध्यान समझना, अब ये चाहे कोई इधर कितना भी हो जाए, मान लो ये बढ़ा भी दिया, मान लो 30-40 रुपये, मान लो कि ठीक है इसके 40 रुपये भाई तुम्हें वो रखना है, मान लो 10% मान लो इसका जितना भी करना है, पर इसके पास सोचो लगभग 300 रुपये तो होंगे ना इसके पास, अब सोचो 300 रुपये को मार्केट में 300 रुपये 300 गुना करेगा तो कितना, 3,000 कर देगा, तो ऑटोमेटिक मनी मल्टीप्लाई बढ़ जाएगा ना जब बैंकिंग आदतें बढ़ेगी लोगों की, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा था और ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये चीज़ समझो, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट है प्रेजेंट टाइम के लिए, अभी UPSC ने क्वेश्चन भी पूछा है इस पर डिजिटल करेंसी के बारे में, अभी इम्पोर्टेंट भी है, डिजिटल करेंसी जारी भी हुई थी, बजट में आया था, इसलिए क्वेश्चन पूछा भी था UPSC ने। अब देखो डिजिटल करेंसी क्या है, अभी जो आप यूज कर रहे थे जैसे मान लो पैसा है वो फिजिकल मनी है, ये चीज़ अंतर समझो, वो फिजिकल मनी है, अभी डिजिटल है आपका, जैसे डिजिटल करेंसी रहेगा आपके पास, जैसे अकाउंट में पैसे पड़े हैं, पहले तो ऐसा होता कि उसको फिजिकल फॉर्मेट, जैसे मान लो अकाउंट में आपको 50,000 रुपये शो कर रहा है तो 50,000 के नोट जाके बैंक से ले सकते थे आप, जैसे आपको जो मान लो कोई सैलरी मिल रही है 50,000, अब वो 50,000 आपकी डिजिटल करेंसी में आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो डिजिटल करेंसी में हो जाएगा। आगे जाके डिजिटल करेंसी ही मैं बता रहा हूँ आगे चलेगी आगे, अब क्योंकि देखो बैंक जो है, देखो सब ऐसी बात है ना कि RBI जो होता है उसको नुकसान होता है, नोट छापना पड़ता है, कभी नोट फट जाते हैं, वो सारी नुकसान होता है। अब सब भाई डिजिटल करेंसी कर देंगे तो कुछ करना ही नहीं है उसमें, डिजिटल करेंसी क्रिएट कर देंगे भाई तुम्हारे पास डिजिटल करेंसी है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, तो वह मुद्रा जो भौतिक स्वरूप में उपलब्ध नहीं, तो याद रखना कि इसका ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ डिजिटल कुछ मतलब डिजिटली कुछ डाटा मिलेगा, ऐसा कुछ ही नहीं होता है, मतलब आपको डिजिटल बस आपका जो अकाउंट है उसमें शो करेगी। यदि भी इसमें भौतिक मुद्रा के समान ही गुण पाए जाते हैं, हाँ ये है कि इसकी पावर उतनी ही रहेगी, जैसे मान लो कि 1,000 रुपये का आपका डिजिटल करेंसी है तो 1,000 रुपये का जो सामान वो खरीद सक, जो 1,000 रुपये के नोट से जो खरीद रहे थे आप वो जाके उससे भी खरीद सकते हैं। यह मुद्रा डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध होने के कारण इसकी त्वरित हस्तांतरण किया जा सकता है, याद रखें।
और सबसे अच्छी बात है इसका कोई हानि भी नहीं होगी, वो तो पुराना नोट हो जाए, डिजिटल करेंसी तो हमेशा डिजिटल करेंसी रहेगी और फास्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि जैसे मान लो कि मुझे 10 लाख रुपए मुंबई भेजना है, कैश मेरे पास है, तो सोचो कितना टाइम लग जाएगा भेजने में। पर सोचो मेरे पास डिजिटल करेंसी है, 1 लाख या 10 लाख या 20 लाख करोड़, कितना मुझे भेजना हो फट से चला जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना, ये दो प्रकार की होती है, केंद्रीकृत मुद्रा और विकेंद्रीकृत मुद्रा। केंद्रीकृत मुद्रा में क्या होगा, केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाएगा डिजिटल करेंसी, तो ये चीज़ याद रखना। तो भारत में ये है, और वो क्रिप्टो करेंसी है वो ये है याद रखना। विकेंद्रीकृत मुद्रा वो डिसेंट्रलाइज मैनर में चलता है, उसको कोई भी लोग जाके खरीद सकते हैं। ये केंद्रीय बैंक द्वारा जारी न होने के कारण आभासी मुद्रा कही जाती है। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज मैनर में काम करेगी। तो ये केंद्रीकृत बैंक जो, अरे एक तरह से देखोगे ना तो ये क्रिप्टो करेंसी के बाद में ये कॉन्सेप्ट आया है डिजिटल करेंसी का, लोग इसीलिए है। ठीक है, तो ये चीज़ विकेंद्रीकृत मुद्रा वर्चुअल आभासी मुद्रा क्या होती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि केंद्रीकृत मुद्रा जो मतलब कि केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जा रहा है, और विकेंद्रीकृत मुद्रा केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नहीं होने के कारण आभासी मुद्रा कहा जाती है। ठीक है, आभासी मुद्रा या विकेंद्रीकृत मुद्रा क्या है, यह किसी मूल्य का व्यापार करने या योग्य डिजिटल प्रारूप है जिसके निम्नलिखित कार्य विनिमय का माध्यम बनता है। देखो ध्यान से समझना, जैसे मान लो कभी जैसे शेयर मार्केट में है, या मान लो कि एक पत्र होता है, याद करो हुंडी वाला जो होता था, हुंडी में जैसे लिख के दिया जाता था, वो रियलिटी में तो कुछ है नहीं, परंतु जैसे उसमें लिख दिया 40,000 रुपये व्यक्ति को देने, तो 40,000 की तरह काम कर रहा है, परंतु क्या वही प्रतीकात्मक है ना, रियलिटी में नहीं है परंतु विश्वास है, तो ठीक है लोग करे व्यापार के लिए यूज करते थे हुंडी हुंडी को। तो विनिमय का माध्यम है, मूल्य के भंडार के रूप में है, और मूल्य मानकीय इकाई के रूप में होता है, परंतु ये चीज़ रखें कि केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है। अभी आरबीआई के द्वारा कोई डिजिटल करेंसी जारी की जाती है सर? कर दी गई है, कहाँ सो रहे हो, बजट में पिछले से 2022 वाले बजट में हो गया था, जब एक क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत ज़्यादा चल रहा था, लोग उसमें इन्वेस्ट करते थे, इसलिए लाना पड़ा आखिर में। ठीक है, इसे लीगल टेंडर मनी का दर्जा नहीं दिया गया, ये चीज़ याद रखना, इसको नहीं है, याद रखना इसको नहीं, पर इसको तो है तो डिजिटल भाई इसका तो रहेगा, पर इसका नहीं है क्योंकि केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता। याद करो चिल्ड्रन, अब ये क्रिप्टो करेंसी कौन जारी करते हैं सर, क्रिप्टो करेंसी कौन जारी करते हैं? अरे क्रिप्टो करेंसी कोई जारी नहीं करता, अरे वो एक ये रिद्धि भी खरीद के रखी है तो आई थिंक यू कैन आस्क रिद्धि, मतलब उसमें मैं एक आइडिया बता देता हूँ, उसमें क्या ना एल्गोरिथम होता है, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर लगे रहते हैं, उसमें आपको एल्गोरिथम को तोड़ना पड़ता है, फिर उससे मनी क्रिएट करना पड़ता है, और वो बहुत कॉन्सेप्ट ऐसा है कि उसमें कोई जारी नहीं करता, उसमें वो ऑटोमेटिक मार्केट में सप्लाई डिमांड के कॉन्सेप्ट पे काम करती है। एक बार रिद्धि से पूछ लेना, उसने खरीदा भी है, रिद्धि कितना बड़ा उसमें। ठीक है, तो मैं इसीलिए मैं इसका एग्जांपल बता रहा था कि जो ये सारी चीज़ें आभासी मुद्रा विकेंद्रीकृत मुद्रा में ये क्रिप्टो करेंसी सब आ जाएगा, बिटकॉइन आ गया, इथेरियम आ गया, रिपल आ गया, लिब्रा आ गया, जो है फेसबुक की डिजिटल मुद्रा थी, याद रखना। इन करेंसियों के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट देख लेना क्रिप्टो करेंसी का, मतलब ये है कि उसमें देखो एक चाहे कोई व्यक्ति था, उसने एक डाटा क्रिएट किया, डाटा क्रिएट करके उसके एल्गोरिथम है, वो एल्गोरिथम अप्रोच है, और वो मतलब ऐसी अप्रोच है ना उसमें, अब इसीलिए तो सोचो ना क्रिप्टो करेंसी जो स्टार्टिंग में जो किसी ने खरीद लिया था, वो भाई एक दिन में अरबपति बन गए, तो उस टाइम इतना डिमांड सप्लाई का खेल इतना ज़्यादा था ना इसमें, क्योंकि ये तो लिमिटेड है, ये ऐसा नहीं है कि नोट की तरह छापते रहो, इसका फिक्स है, अब जितना फिक्स रहेगा सब, जितने लोग इसको खरीदेंगे डिमांड सप्लाई के, सब ऐसी बात ध्यान जहाँ वही चीज़ समझो, डिमांड सप्लाई। ठीक है, सप्लाई बहुत कम है इसकी, क्योंकि सब ऐसी बात फिक्स है, ज़्यादा नहीं है ये, क्योंकि एल्गोरिथम लगाना पड़ता है इसको, तो सब ऐसी बात है, और इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ती जा रही है, तो सब ऐसी बात ऑटोमेटिक क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा इसका, इसीलिए जो उस टाइम बहुत ज़्यादा एक कुछ लोग दिनों में करोड़पति बन जा रहे थे। ठीक है, यह एक विशेष प्रकार की आभासी मुद्रा याद रखना, क्योंकि किसी केंद्रीकृत बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती, जो कि विकेंद्रीकृत होती है, डिसेंट्रलाइज मैनेजर में होती है, अर्थात ऐसी कोई केंद्रीय संस्था नहीं है जहां इसे लेनदेन का रिकॉर्ड रखा जाए, ये चीज़ याद रखना। विभिन्न स्वतंत्र कंप्यूटर द्वारा इसके लेनदेन का रिकॉर्ड रखा जाता है, वही बता रहा हूँ, और बहुत हाई पावर वाले इसमें कंप्यूटर लगे रहते हैं। इसे क्रिप्टोग्राफी इनक्रिप्शन तकनीक द्वारा संरक्षित किया जाता है, इसका सर्जन ब्लॉकचेन तकनीकी माइनिंग प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है, माइनिंग जैसे होता है ना खोद खोद के निकालना पड़ता है, तो वैसे ही है, इसको तोड़ना पड़ना पड़ता है, इतना ईजी नहीं है। इसे रिकॉर्ड को डिस्ट्रीब्यूटेड लीगल लेजर टेक्नोलॉजी वितरित बही खाता तकनीक द्वारा साझा किया जाता है,
ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो क्रिप्टो माइनिंग क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी के विभिन्न रूपों के लेन देन को वेरीफाई कर ब्लॉकचेन डिजिटल लीगल्स में जोड़ा जाता है, ठीक है। अब इसके लाभ क्या है, देखो मैंने है ना, देखो 2017 से ये चर्चा में आ गया था, उससे यूपीएससी ने 3-4 बार क्वेश्चन पूछ चुका, और मैं फिर बता रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा यूपीएससी ने एक बार, क्रिप्टो करेंसी क्या है क्या है ऐसा पूछा, तो फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट भी इसीलिए जो आरबीआई ने फिर लाया फिर डिजिटल करेंसी, कहीं ना कहीं उसी की देन है, और इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अभी अपन वही देखते हैं सबसे ज़्यादा क्या फायदा। देखो अंतर मंत्रालय समिति के अनुसार क्रिप्टो करेंसी से संबंधित तकनीक के माध्यम से वित्तीय प्रणाली की कार्य क्षमता और समावेशन में सुधार हो सकता है। अब जैसे मान लो कि बैंक जो मैन्युअली काम करे तो उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, इसे टेक्नोलॉजी है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है और हर बैंक आज उसको अपना रहा है क्रिप्टो करेंसी में जिस तरीके से, और कहीं ना कहीं डिजिटल करेंसी जो आई है वो इसी की देन है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इसमें व्यक्तिगत पहचान के लिए केवाईसी की लागत में कमी आ सकती है, केवाईसी जो नॉर्म्स जो होते थे सब, ऐसी बात है कि जब सारी चीज़ें ऐसे हो जाएगी क्रिप्टो करेंसी में तो पकड़ रहेगी ना, अब इसमें ज़्यादा ऐसा तो है ना कि पैसा की तरह नोट को ब्लैक मनी में कन्वर्ट कर लिए, इसको तो नहीं कर पाओगे ना क्योंकि इसे फिक्स है वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, आईएमएफ के अनुसार इसके माध्यम से सस्ता तेज और अधिक कुशलतापूर्वक लेन देन किया जा सकता है, तो भाई बात है ऑनलाइन है, ठीक है, सस्ता भी है, फालतू में सोचो कि नोट तो कितने छापने कितने पैसे लग रहे हैं, फास्ट मान लो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है तो ऑटोमेटिक बहुत जल्दी तुम 1 मिनट में हज़ारों लाखों करोड़ों रुपये पैसे भेज सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ रखना, लेन देन की लागत कम होने तथा बिचौली की समाप्ति से कम मूल्य वाले सीमा पर हस्तांतरण भी संभव है ऐसा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, अब जैसे मान लो बीच में मीडिएटर बढ़ेंगे तो वो क्या करते हैं, कॉस्ट बढ़ा देते हैं हमेशा, तो वैसे होते जैसे मीडिएटर कम होते तो ऑटोमेटिक क्या होगी, कॉस्ट कंट्रोल रहेगी, ठीक है। अधिक सुरक्षित प्रणाली होने के कारण से पारदर्शिता अधिक होगी, सब ऐसी बात है। अंतर मंत्रालय समिति के अनुसार क्रिप्टो करेंसी परंपरागत जो मुद्रा है का स्थान नहीं ले सकती, इसके निम्नलिखित कारण है। अब इसके कमियाँ क्या है, क्रिप्टो करेंसी के बाजार के उतार चढ़ाव के अधीन यह विकेंद्रीकृत मुद्रा है, अर्थात इसका कोई केंद्रीय नियामक नहीं है, कोई रेगुलेट नहीं करता इसको, ऑटोमेटिक काम करता है, ये सप्लाई डिमांड के खेल पे काम करता है। इसका लेन देन अनुक्रमणीय अर्थात गलत लेन देन होने पर उसकी वापसी संभव ही नहीं, अगर आपने कहीं से गलत कुछ हो दिया है तो हमारे पास फिर वापस ऐसा नहीं कि जैसे पैसा खो गया तो वापस मिल जाएगा, चांस तो बनता ही, इसमें ऐसा नहीं होगा। क्रिप्टो करेंसी का लेन देन गुमनाम तरीके से होता है, अतः इसके मनी लॉन्ड्रिंग तथा आतंकवाद के वित्त पोषण में प्रयोग होने की संभावना अधिक होती है, तो है ही सब ऐसी बात है, पैसे ट्रांसफ़र करने हैं मुझे, पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो सरकार के पास डाटा रहता है, सरकार मेरे को ट्रैक कर लेगी, मैंने सोचा क्रिप्टो करेंसी में कर रहा हूँ मैं पेमेंट, इसलिए देखना ना अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो साइबर जो फ्रॉड होते हैं वो याद रखना कि वो लोग यही काम करते हैं, वो जब क्रिप्टो करेंसी में आजकल मांगते हैं पैसे, तो ये चीज़ याद रखना, इसे क्योंकि उसको ट्रैक नहीं कर पाते क्योंकि सेंट्रल एजेंसी है नहीं, जैसे अभी नोट आरबीआई द्वारा जारी किया जाए तो एक एक नंबर का तुम्हें पता है डाटा रखा जाता है, एक एक नंबर है कौन सा मिसिंग हुआ सारी चीज़ें, अब वही सोचो कि इसमें कोई है ही नहीं, तो सब ऐसी बात है कि ये सारी चीज़ें ज़्यादा बढ़ेगी। इससे बड़े पैमाने पर भंडारण प्रोसेसिंग पावर की आवश्यकता होती है जिसके प्रतिकूल प्रभाव देश में उठे संसद, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर लगे हुए रहते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा पावरफुल, ठीक है, मतलब ये मान के चलो कि इनके लिए वो हाइपर जो होते हैं ना सुपर कंप्यूटर लगे रहते हैं इनमें, ठीक है। अंतर मंत्रालय समिति की रिपोर्ट, सरकार केंद्रीय संस्था द्वारा जारी क्रिप्टो करेंसी को छोड़कर निजी क्रिप्टो करेंसी प्रतिबंध किया जाना चाहिए तथा उससे जुड़ी विभिन्न गतिविधियों को अपराध घोषित किया जाना चाहिए, समझ बात, इससे ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये सारी चीज़ें बढ़ती है तो कंट्रोल भी होना चाहिए, साइबर फ्रॉड होते हैं। कमेटी के अनुसार आरबीआई को आधिकारिक डिजिटल करेंसी के बारे में विचार करना चाहिए, कमेटी ने डीएलटी मतलब ये हो चुका है, अगर आप 2022 वाले बजट में जाके देखोगे तो हो चुका है डिजिटल करेंसी जारी, ठीक है। तो ये 2022 वाले नोट्स हैं ना, इसलिए इसमें शायद पुराने नोट्स है। कमेटी ने डीएलटी के संभावित एप्लीकेशन की पहचान की, जैसे डुप्लीकेट लेन देन के चिन्हित करना, भूमि रिकॉर्ड को रखरखाव कर रखना, फ्रॉड की पहचान करना, इस कमेटी के अनुसार भारत इस प्रकार की तकनीक का लाभ उठाना चाहिए, अतः सरकार द्वारा संसद में क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध तथा आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनिमय अधिनियम विस्तृत किया गया था, भारत में निजी क्रिप्टो करेंसी के विभिन्न प्रयोगों पर प्रतिबंध करने का प्रस्ताव करता है। तो याद रखना भारत में क्रिप्टो करेंसी अलाव नहीं है, परंतु भारत ने खुद ही अपनी डिजिटल करेंसी जारी की है, इसे याद रखना, ठीक है। ये नया टॉपिक है तो ये इसको बातें पढ़ेंगे। ये तो अभी आरबीआई ने कुछ दिन पहले एक किया जारी सर, अभी कुछ दिन पहले
हाँ ज़्यादा नहीं हुआ, अभी टाइम हो गया है, परंतु आ कर दिया ये चीज़ याद रखना, आरबीआई की डिजिटल करेंसी आ चुकी है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब देखो मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ तुम लोगों को, अब देखो ना अपन डेली ऐसा करेंगे, यूपीएससी का 2023 कोई क्वेश्चन लेंगे, उस पर कुछ काम करके बताता हूँ आप लोगों को मैं, ठीक है। अब इसमें देखो ना, जैसे आज ये क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी जब पढ़ा रहा था ज्योग्राफी का, तो ये डायरेक्ट ये लाइन है ना, डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी मिल जाएगी, ये वाला, ठीक है। तो ये सोर्स पकड़ने का काम जो है जरूर करो, रिद्धि ने जैसे इस पर पकड़ा था, इस पर पूरा एक सोचो, एक मैगजीन आया था पूरा योजना का, ठीक है। और ये जाके आप PYQ में देखोगे, ठीक है, ऐसे तो मैंने इसका ट्रिक भी बताया था, मैंने इसी ट्रिक से किया भी था ये ट्रिक, वो ट्रिक वाला काम मैं बताऊंगा, वो छोड़ो वो बाद में, अभी मेहनत किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब देखो ना ये मिलेगा आपको, ठीक है, और देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये वाला, ये PYQ में अगर आप जाके देखोगे 1995 से उधर 2010 में, उधर मिलेगा ये आपको, ये वाला टॉप, ये वाला डायरेक्ट, ठीक है। और मैंने देखो मैं कल बता रहा था ना, देखो दो क्वेश्चन यूपीएससी की जो कंटिन्यूस पूछने की आदत है, वो दो क्वेश्चन में ट्रिक लिया रहता है, कोई कुछ बोल रहा है क्या? देखो ये सातवां क्वेश्चन ऑब्जर्व करना, ठीक है, और आठवां देखो, ये देखो ये फिक्स है यूपीएससी 2019 में, देख रहा हूँ कि दो सिमिलर टाइप्स के क्वेश्चन जो है हमेशा पूछता है। अब देखो दोनों के दोनों, अब देखो निम्न कौन सा एक कांगो बेसिन का एक भाग है, ठीक है, कांगो बेसिन का है अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। अब ये देखो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ध्यान समझो ये चीज़, ये चीज़ पकड़ो, कांगो कांगो देख लो, और मैं तुम्हें अभी देखो 2019 वाला पेपर दिखाऊंगा, उसमें भी है यही सेम चीज़। अब देखो इसका आंसर यहीं पे छिपा है, इसका यही आंसर है, और यही मैं अभी 2019 वाले पेपर में दिखाता हूँ ये ट्रिक, और ये है अभी देखना, 2019 वाला पेपर भी दिखाता हूँ, तो ये चीज़ समझो। देखो जितने यूपीएससी पेपर रिसर्च करोगे ना, बहुत कुछ मिलेगा आप लोगों को, और ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन रहा है, ठीक है। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, 2019 में भी आया था सेम, दो सिमिलर क्वेश्चन थे और उनका दोनों का आगे पीछे आंसर था। ये सोच रहे हो कुछ ना कुछ तो माइंडसेट काम कर ही रहा ना उस एग्जामिनर को, उसमें अभी मैं तुम लोगों को बताता हूँ, रुक जाओ, याद करो अपनी एक ट्रिक ये भी थी कि भाई एक क्वेश्चन का आंसर दूसरी जगह छिपा रहता है। अब देखो ये रहा, ये 2019 का क्वेश्चन है, ध्यान समझना, कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, देख रहा। अब यही इसका इस क्वेश्चन का आंसर, देखो उसमें भी ऐसा आया था, और यही सेम पैटर्न इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको इसमें, ये 100 वगैरह, ये 100 वगैरह, यही आंसर है। अब सोचो ये मैं बता रहा हूँ ना, PYQ लेके बैठा करो भाई, PYQ लेके बैठा करो, ये देखो ये चीजें समझ रहे हो कितनी बड़ी चीज है, और यही सेम चीज 2023 में, सोच लो। तो मैं फिर बार बार एक ही चीज़ बोलूँगा कि भाई ये चीज़ें आती है, आप लोग जितना जब बार देखोगे, 2023 का देख रहे हैं ना वो, सोचो वही सेम ट्रिक लग रही है, नहीं लग रही, कुछ नज़र आया? अरे आया तो ये चीज़ समझा करो, अरे फिर ये गायब हो गया, 2023 का पेपर, हाँ ठीक है। अब देखो यही मैंने, अब देखो यही सेम चीज़ है, अब देखो यहाँ पे देखना, इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा किसमें, आठवें में, ये रहा कांगो, और यही इसका आंसर था।
कुछ तो लॉजिक है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये पेपर भाई मेहनत से गधा मजदूरी से नहीं निकलेगा, मैं फिर बता रहा हूँ। अगर ऐसा होता ना तो मैं 2019 में आईएएस बन के निकल चुका होता। उस टाइम मैंने खूब गधे की तरह मेहनत की थी, 16-16 घंटे, पर नंबर आए थे 69। 2018 में भी कितने, 50 नंबर आए थे। तो इस एग्ज़ाम के टेक जो टेक वो टे, मतलब बोलते हैं कि क्या टेक्टिस्ट है, उसको पकड़ो। अगर आप वो नहीं पकड़ रहे हो, मैं फिर बता रहा हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन है, मैं करवाऊँगा वो कॉन्सेप्ट से भी, देखो ना, जैसे मैंने ये क्वेश्चन सही किया था मैंने, बस मुझे नहीं पता भाई, मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं कुछ भी नहीं, पर ये तो मैं बताऊँगा, ये अपन PYQ में पढ़ा हुआ पहले भी, पर मैंने डायरेक्ट किया था, ये मेरा सही था। अब देखो इसका भी मैं तुम्हें टेक ट्रिक है, वो होती है, ऐसा नहीं है, मैंने जो बताया था वो 2011 से लेके मैं 23 वाला पेपर मैं अभी भी बता रहा हूँ। अगर आज भी आप लोग मेरे 2011 से जो 2022 वाली वीडियो देखोगे, उन वीडियो की सहायता से मैं बता रहा हूँ, इस पेपर में आराम से 60 से 70 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे तुम्हारे, आराम से सही होंगे। अगर उस टैक्टिक्स को जो मैंने, जो टैक्टिस्ट है वो याद रखना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो समझ गए तो। अब देखो ध्यान से समझना, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध एलिमेनाइट। अब जैसे मैंने भाई, मैं नहीं जानता रूट रूट रूटाइल निम्न में किसके समृद्ध स्रोत है। अब देखो स्वाभाविक सी बात है कि कोई चीज़ बन रही है, इन दोनों से बनेगी, अब वो इन दोनों का मिक्सर का रूप है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या सोचा था इस क्वेश्चन के, जब मैं उस क्वेश्चन कर रहा था एग्जाम में, इसी ध्यान से समझना। अब देखो ध्यान से समझना, मैं अब देखो एक एक तो देखो एक क्या होता है क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका, भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध एलिमिनाइट और रूट, ये है ना, ये क्वेश्चन UPSC 2006 का ऐसा है, डायरेक्ट जाके देख लेना, डायरेक्ट सेम, ये है PYQ का इंपॉर्टेंट, इसलिए बता रहा हूँ 1995 से जरूर देख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। एल्युमिनियम के दो ये होते हैं, एक रूटाइल और एक पता नहीं क्या। मैं समझ, मैं एक चीज़ में बता रहा हूँ जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब जैसे मैंने इस क्वेश्चन को देखो, मुझे नहीं पता, एक तो क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट पता होना चाहिए, मतलब है, ठीक है। अरे ऐसे रिपीट है ये, ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है 2006 या, देख लेना उधर है पक्का, 100% है, मैं बताऊंगा जब अपन करेंगे काम उसमें, ठीक है। अब सुनो, जैसे एल्युमिनाइट है तो मैंने इसको सोचा एल्युमिनियम, ठीक है, और इसका शायद आंसर यही है ना, AID। टाइटेनियम है शायद, देखो टाइटेनियम इज लग रहा है हाँ मुझे। रुको रुको, देखो मैंने ये दोनों ऑप्शन काट दिए थे मैंने, क्योंकि देखो एल में तो एल्युमिनियम, ठीक है, इतना एक तो ये मेरे पास आ रहा था, परंतु मेरे पास ये भी आ रहा था नाइट, टाइटेनियम, तो मैंने ये दो ऑप्शन तो काट दिए। पर मैं बता रहा हूँ कि एटलीस्ट ये टैक्टिक जो होती है कितना हेल्प करती है, मैं तो सही बताऊँ मैंने सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे किए हैं, और मैं तुम्हें करवाऊंगा ये 2023 वाले पेपर, जो अपने 2011 से लेकर जो 2022 वाली जो सीरीज है, जो चीज़ें वहाँ पे जो मैंने सिखाई है, अगर उसको भी इस चीज़ में अप्लाई करोगे ना तो होगी। जैसे ये वाला क्वेश्चन ले लो, ये टैक्टिक से ही सोल्व होगा, ये नॉलेज से नहीं तुम्हें कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा, ये वाला है वो टैक्टिक से सोल्व होगा, जो मैं टेक्नोलॉजी मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। ये वाला तुम्हें अभी बता ही दिया तुम लोगों कि इसका आंसर उसमें छिपा और उसका आंसर उसमें छिपा, ठीक है। तो मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ समझो, ये वाले टैक्टिक से सोल्व होते हैं, लगभग मेरे इस टाइप के गलत नहीं हुए थे क्वेश्चन। अब देखो ये वाला कल रिद्धि ने डाला भी था, ये मेरा सही हुआ था, ठीक है। अब जैसे मेरा एक ट्रिक था, याद करो, मैं तुम लोगों को एक बताया था, कौन से जीव अपने सगे संबंधियों अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए ढोलन नृत्य वेंगल डांस करता है। अब सोचो, रिद्धि ने शायद बताया था कि डायरेक्ट दिया हुआ था, एक एक लाइन दी थी, एक वर्ड दिया हुआ था, तो वो भी एक तरीका है। गिलहरी वाला ये नगीना ने भेजा है, तो 4th क्लास में दिया है। अरे ये वाला ना, ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वाला, ये देखो ये कितना सेम डियर का, याद करो क्वेश्चन कितनी बार ये पूछ चुका, कितनी बार सेम डियर है ना, हाँ ये देख लो, सांबर डियर, लॉइन टेउट मैकाउट का याद जाके देखो, 2013 या 12 में क्वेश्चन आया हुआ था। अब देखो पूछ क्या रहा है, उपयोग में कितने आमतौर पर रात्रिचर्या सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होते हैं, तो मेरा फिर मैं बार बार पेपर को देखो, बहुत कुछ चीज़ें मिलेगी आपको, याद करो मैंने ट्रिक सिखाया था, कुछ 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 तीनों के तीनों सही है, मतलब सी आंसर, सकते हैं सकते हैं सकते हैं, तो दोनों पॉसिबिलिटी बोल दी, तो ये तो आंसर होगा, पढ़ो ही मत। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए थे, ये वाला क्वेश्चन किया था मैंने ऐसे, डायरेक्ट सही हुआ था।
अभी एक और मैं बता रहा हूँ, जिसमें था वो चीज़ कुछ कुछ से अभी। और सना आप जाग रही हो तुम, ठीक है? तो अभी देखो मैं कुछ कुछ टैक्टिक बताता हूँ आपको, ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये टैक्टिक मेरे जो वीडियो देखेगा ना उसी को ही समझ में आएगा। वो वीडियो भाई मैं सही बता रहा हूँ ना, एज ए वो वरदान है वो। अब देखो ये 2021 में क्वेश्चन आया था, ठीक है? अभी मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ टैक्टिक, देखो मैं करवाऊँगा, ऐसा नहीं है, पेपर उस मेथड से जो मैंने करवाया उससे पेपर सोल्व होगा सारा का सारा। अभी रुक जाओ, वो टैक्टिक है परंतु मेरा माना, देखो ये वाला क्वेश्चन अब ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन है ना। अब मैंने मैंने क्या गलती कर दी और क्या होना चाहिए था मुझे, देखो मैं देखो एक चीज़ ये रखना, एक चीज़ ये रखना, जब भी अपनी टैक्टिक अप्लाई करोगे तो थोड़ा अवेयर रहना कभी भी, है ना? देखो क्या होता है कि किसी भी चीज़ पे फुल्ली डिपेंडेंट होना बहुत खतरनाक चीज़ होती है। तो मैं तो ये बोलूँगा जो मेरी टैक्टिक है बाद में अप्लाई करना, पहले तो जो क्वेश्चन नॉलेज से हो जा रहे हो आप अपनी मेहनत से जो करके आए वो करो, फिर आखिरी में तो भाई यही टैक्टिक है जो पास करवाएगी, पास तो यही करवाएगी। ये चीज़ याद रखना, मन पूर्ण रूप से इस पर भी डिपेंड नहीं रहना। अब जैसे धान्य कटक है, मैंने क्या गलती कर दी भाई, देखो ना यूपीएससी को पता चल चुका है कि भाई ये लोग है ना वर्ड्स को तोड़ते हैं वहाँ से आंसर निकालते हैं, जैसे कच्छ वाला अपने को डायरेक्ट मिल गया था। अब मैंने क्या किया, अब मैं कुछ ज़्यादा दिमाग लगा लिया यहाँ पे, मैंने है ना ये क्वेश्चन ये कुछ आगे का पढ़ा ही नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है। अब मैं जो मैं अपनी गलती की मैं बता रहा हूँ, कटक है, कटक याद करो उड़ीसा को बोला जाता है, उड़ीसा कौन था कलंग। अब मैं बहुत ज़्यादा दिमाग लगा लिया इसमें और मैं आगे पढ़ भी नहीं रहा हूँ उस क्वेश्चन को। अभी देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर इसके मैं एक लाइन भी आगे और पढ़ लेता ना तो क्वेश्चन सोल्व हो जाता। मैं तो यही कटक देखा, कटक कटक उड़ीसा को बोल ले जाता है, कलिंग कलिंग उड़ीसा ही था, ठीक है? अब गलती था वो, अब पर मैं बता रहा हूँ जैसे कैसे क्वेश्चन सोल्व होता। मैं फिर बता रहा हूँ, देखो ये नॉलेज ठीक है एक तरीका सीखेंगे वो भी नॉलेज करने का, पर मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को ना एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा। और मैंने शायद याद करो मैंने बोला भी था कि जब नया क्वेश्चन यूपीएससी बनाता है तो उसका मोस्टली आंसर यही होता है। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा ये भी, ये वाली जो टैक्टिक्स है मेरी ये भी काम करेगी, हर जगह काम करेगी। अब सुनो, चलो कोई नहीं। धान्य कटक जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ था, याद करो। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक चीज़ याद रखना, जो अगर तुम देखोगे तो बौद्ध कहाँ कहाँ पे फेमस था, याद करो श्वेताबन दिगंबर, याद करो जिसमें अमरावती क्षेत्र जो है। और ये क्वेश्चन क्यों बना था तुम्हें पता? अब मैं बता रहा हूँ ये क्यों क्वेश्चन बना, ये क्वेश्चन बना था याद करो किसकी, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है अभी, अमरावती घोषित की गई ना, याद है? हाँ सर, अमरावती अमरावती है। और अमरावती केंद्र किसका था, बौद्धिस्ट केंद्र था महासंघिकों का, कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, इसीलिए क्वेश्चन बना था। तो ये चीज़ समझो, वो क्वेश्चन कैसे बना रहा, कहाँ से। अरे मैं तुम्हें एक और, रुको एक और क्वेश्चन सिखाता हूँ, वो याद है महिला बाउंसर के जो आया था, रुक जाओ वो अभी आएगा, ये हिस्ट्री वाला पार्ट चालू हुआ ना। हाँ ये रहा ये क्वेश्चन, याद करो उस टाइम करंट अफेयर में था, इसलिए बताओ करंट अफेयर, बस ये आइडिया होना चाहिए क्या चल रहा था। महिलाओं को याद करो कि आर्मी में दिया गया था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि इसका जजमेंट दिया था कि संगम पीरियड में भाई उस टाइम महिलाएं जो होती बाउंसर रहती थी राजा महाराजाओं के, इतना सा कॉमन सेंस। और मैंने क्या बोला था, नया क्वेश्चन ये आंसर, ये टैक्टिक्स मैं फिर बता रहा हूँ काम करेगी यार, 100% काम करेगी, मैं फिर बता रहा हूँ एग्जाम इसी से ही निकलेगा। मेहनत करो, पर मेरा मानना है देखो मेहनत एक अलग चीज़ है, परंतु ये जो टैक्टिक्स है यही एग्जाम निकालेगी। मेरे 93 नंबर आए थे, वो रीज़न यही था। मैं फिर बता रहा हूँ इतना ईजी नहीं है नंबर लाना, जिस तरीके से यूपीएससी का पेपर जितना डिफिकल्ट होता जा रहा है पेपर नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, मैंने ये क्वेश्चन कैसे सोल्व किया, विजयनगर साम्राज्य मुझे पता, डायरेक्ट देवराय प्रथम, ज़्यादा कुछ सोचो ही मत, क्योंकि कृष्ण देवराय बहुत फेमस राजा था। और यूपीएससी देखो, और मैंने तुम्हें टॉपिक बताए थे याद करो, मैंने देखो वो जो टॉपिक तुम्हें टॉपिक लिस्ट बना के दी थी मैंने, कहाँ था देखो संगम पीरियड आ रहा, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट आ रही, जब से बीजेपी आया तब से संगम पीरियड इंपॉर्टेंट हो गया है, विजयनगर साम्राज्य इंपॉर्टेंट। मैं फिर बता रहा हूँ आगे आएगा, जैनिज्म बौद्धिज्म हमेशा क्वेश्चन आता है, कहाँ आत्मा, आत्मा की याद रखो, आत्मा कौन है, जैनिज्म, ठीक? मतलब क्वेश्चन भी पढ़ो, आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है बल्कि शिलाओं, हाँ ये मतलब ये जैनिज्म का कॉन्सेप्ट है, जैनिज्म मानता है कि पत्थरों में भी आत्मा निवास करती। तो मेरा कहने मतलब ये चीज़ समझो, और ये चीज़ समझने का प्रयास करो, संगम पीरियड इंपॉर्टेंट है, संगम पीरियड को अच्छे से पढ़ो, विजयनगर साम्राज्य इंपॉर्टेंट है भाई इसको अच्छे से पढ़ो, जैनिज्म बौद्धिज्म हमेशा क्वेश्चन आता है, हमेशा क्वेश्चन आता है, आप उठा के देख कर लो। और आजकल एक ये नया तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये चीज़ भाई इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ समझो।
अगर आप ये चीज़ नहीं समझोगे मैं फिर बता रहा हूँ ना, तो फिर गए काम से, फिर यूपीएससी तैयारी आपको बहुत बल्कि लगेगी। अब ये देखो, ये तो डायरेक्ट आज उसने भेजा भी था, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन 1995 के, उससे चले जाना, डायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, डायरेक्ट रिपीटेड है, डायरेक्ट ये वाला भी रिपीटेड है क्वेश्चन है। ठीक है, अभी रुक जाओ, मैं कुछ एक और क्वेश्चन दिखाने वाला था। मेरे बताओ कि ऐसा नहीं, टैक्टिक्स जो है अपनी टैक्टिक्स से उससे सोल्व होगा, जैसे ये क्वेश्चन जो अपनी टैक्टिक्स से आराम से सोल्व होगा। देखो अब आप लोग ये से मत घबराओ, वो तो उसकी टेंशन मत लो, वो मैं जब मैं सारे क्वेश्चन आपकी बार दो जा, और वो मैं आपकी बार ऐसे नहीं, वो क्लास अपन जो स्टूडेंट रहेंगे उसी को दूंगा मैं, वो क्लास नहीं दूंगा, क्योंकि भाई वो देखो मेरी मेहनत है, और मैंने चाहता कि फालतू में इधर उधर जाए। दूसरी बात ये चीज़ याद रखना, जो वो मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा 2011 से लेकर 2022 तक, तो जो ओल्ड पैटर्न पे आते थे वो मैं सारे नए पैटर्न के तहत ही कराऊंगा, इस पैटर्न के तहत ही कराऊंगा, उसको उस पैटर्न के तहत नहीं करेंगे अपन। तो उससे क्या है, तुम लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा, तो तुम्हारा माइंड है ना उसी अकॉर्डिंग काम करेगा पेपर में। तो आपकी बात जो गड़बड़ी रही, क्योंकि आप लोग भी घबरा गए होगे एग्जाम में जिसने पेपर दिया था, आपकी बात है कुछ ही नहीं, मैंने जब रियलिटी में बाद में देखा चीज़ वही है। अभी देखो जैसे सोचो, यही क्वेश्चन है जननी सुरक्षा योजना, ये है ना 2019 का क्वेश्चन, रिपीटेड है, मैं फिर बता रहा हूँ, पेपर रिपीट होते हैं, आप बस वही चीज़ें समझने का करो। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना, देखो मैंने अब मैं टैक्टिक जो अपनी थी, टैक्टिक सबसे पहले टैक्टिक्स क्या थी, क्वेश्चन क्या है उसको समझो। जननी सुरक्षा योजना, जननी कौन होती है, माता होती है, उसकी सुरक्षा की बात की जा रही है, ध्यान से बस इतना समझ लो, समझ में आ गया भाई, सबाई सी माता जो गर्भवती माताएं होती है उनकी सुरक्षा की बात करी, ऐसी कोई योजना सरकार ने बनाई है, सरकार ने योजना बनाई अपनी, टैक्टिक्स क्या थी, पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव को पॉजिटिव तरीके से देखना। ठीक है, अब देखो, यह राज्यों के स्वास्थ्य विभागों की एक सुरक्षित मातृत्व योजना, मातृत्व की योजना। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने क्या बोला था, जैसे जहाँ पे लिखा रहता है एक एक बार, ये मतलब एक सिंपल वर्ड दिखाता है, ज़्यादा एक्सट्रीमनेस नहीं है इसमें। ठीक है, अपन अभी नॉर्मली मान के चलेंगे, अपने को इसका आइडिया है या नहीं, एक चीज़ याद रखना, पर मैंने क्या बोला था, जहाँ यहाँ बोल देते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट राज्य, तो यहाँ केंद्र भी हो सकता है, समझ में आया, यहाँ कुछ हो सकता है, ये बस डाउट करो, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आप डायरेक्ट काट दोगे। ठीक है, परंतु तो अभी अपन इसको डाउट में रखते हैं कि भाई ये मुझे क्लियर नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं में मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। मैंने क्या बोला था, यूपीएससी कभी भी एम गलत नहीं देता, याद रखो, मैंने जो सारी क्लासेस करवाई है वो कभी यूपीएससी एम गलत नहीं देता, बहुत रेयर चांसेस होगा कि वो एम गलत दे रहा तो नहीं। और आप सोचो, नहीं नहीं आपने क्या यहाँ से जो थीम जो थी क्या क्रिएट किया है, कि माता की सुरक्षा की बात कर रहा है, जननी सुरक्षा योजना, तो गर्भवती मैंने बोला था महिला मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, समझ में, जब इसकी जब हम देखभाल करेंगे तो ये तो होगा ही, ये तो पॉजिटिव चीज़ है, ये तो होगा, ये तो 100% श्योर है, ये तो होगा आंसर का पार्ट। अगला, इसका लक्ष्य गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव को बढ़ावा देना, सब ऐसी बात है, जननी सुरक्षा योजना तभी तो होगी, अरे ये दोनों एक दूसरे का क्या है, पूरक है। देखो मैंने दो चीज़ें बताई थी, ये टैक्टिक्स याद रखना, एक होता है कॉन्ट्रावर्सी मतलब विरोधाभास कथन है, दोनों एक साथ कभी सही नहीं हो सकते, एक होता है संपूरक कथन, संपूरक कथन मतलब ये सही होगा तो ये ज़रूर सही होगा, याद रखना ये चीज़, क्या तो दोनों गलत हो जाएंगे, नहीं होंगे तो ये जब सही है तो ये भी सही है, दो स्टेटमेंट सही गए। आगे देखो, इसका उद्देश्य में एक वर्ष की आयु तक के बीमार बच्चों को लोक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना शामिल है, ध्यान समझना। अब देखो ये वाला, ये लाइन पढ़ो, इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिला से मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। अगर आप सोचो कि उसमें नवजात शिशु मृत्यु दर लाना है, तो ये तो बात लगभग लगभग कहीं ना कहीं इसको जोड़ रहा है, और यहाँ पे देखो एक वर्ष से कम आयु तक, अब देखो यहाँ पे एक डाउट क्लियर कर सकते हो, एक वर्ष है उससे कम, ठीक है, यहाँ पे डाउट क्लियर क्रिएट किया जा सकता है, परंतु अपने को इतना तो है कि दो तो सही है, दो स्टेटमेंट तो सही है, ध्यान समझो। अब मैं नए पैटर्न में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, घबराओ मत, बस ये कि तुम लोगों का माइंड उस तरीके से प्रिपेयर नहीं था इसलिए थोड़ा बहुत घबराए। मैं भी देखो, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं भी 5-6 सालों से एग्जाम दे रहा था, ओल्ड पैटर्न तो मेरे लिए थोड़ा एक रहा, परंतु घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ 2024 में एकदम रेडी रहोगे तुम लोग। दो ऑप्शन सही है, दो ऑप्शन सही है, तो अपना तो ये तो कट गया। ठीक है, अब अपने को पता है कि देखो यहाँ पे कोई डाटा वाटा दिया, तो अपन याद करो मैंने एक कॉन्सेप्ट क्या सिखाया था, जब दो डाटा दिया रहता है तो उनमें से एक डाटा सही होता है, ठीक है, पर दोनों डाटा कभी सही नहीं होंगे, तो इसका मतलब चारों तो ऑप्शन का नहीं, तो दो ऑप्शन तो ऑलरेडी सही है, एक इनमें से रहेगा तो तीन। ठीक है, मैं अभी देखो मेरा माना कि आंसर क्या होगा वो छोड़ो, पर मेरा मतलब टैक्टिक्स सीखो, एटलीस्ट अपन कितना नज़दीक तो पहुंच रहे हैं, अब लोग अपन 50-50% पहुंच गए, और यही है,
यही काम करना है अपने को। मान लो कि अपन मान लो कि रिस्क लेंगे, मान लो कि 20 क्वेश्चनों पे रिस्क लिए, देखो जैसे मान लो कि अपने को, मेरा मानना है कि जैसे मान लो 100 में से ना यूपीएससी से तुम कितना भी तैयारी कर लो, 40 क्वेश्चन से, 40 क्वेश्चन मैंने ज़्यादा बोल दिया, रियलिटी मैंने इतने सालों से मैं तैयारी कर रहा हूँ, 30 क्वेश्चन भी नहीं होते हैं जो आपको डायरेक्ट आते हैं, सही बता रहा हूँ, कितनी भी तैयारी कर लो। हाँ, परंतु अपन जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी वाली अप्रोच होगी, योजना घोषित, उससे तुम पहुँच जाओगे आराम से 40 क्वेश्चनों पर, 40-50 क्वेश्चनों पर पहुँच जाओगे जब ये टेक्निक अपनाओगे। इसलिए बता रहा हूँ, ज़्यादा कोचिंग मटेरियल इन पीछे मत भागो, क्योंकि सबाई बात है, वो कितना भी मेहनत कर लो तुम 30 तक ही पहुँच पाओगे। फिर मेरे ये जो मेरी टेक्टिक है यही काम आएगी 70 क्वेश्चनों में, ये चीज़ याद रखना। तो पर हाँ ये कि ओरिजिनल सोर्स पढ़ो, कम पढ़ो भाई, सबाई से बता एनसीईआरटी पढ़ लिया अपना, ठीक है, योजना कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ो, ताकि बेसिक क्वेश्चन आ रहे वो गलत ना हो, वो 40% उल्टा वहाँ से बढ़ जाएंगे तुम्हारे, पर इधर से नहीं बढ़ेंगे। तो सबाई बात है, 70 क्वेश्चन मान लो मैंने टेक्टिक लगाया, अगर मान लो 35 क्वेश्चन सही हो, मान लो 50-50 कभी तो डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। मैं अभी बता रहा हूँ, बहुत सारे में डायरेक्ट पहुँचोगे आप लोग, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये तो मैं 35-35 में ज़्यादा ही ले रहा हूँ, मान लो 63-65 क्वेश्चन सही हो गए, अगर मान लो कितना 35 गलत भी हो गया तो कितना, हमेशा 100 पार रहोगे, ये गारंटी साथ मैं बता रहा हूँ। ये तो मैं तो एकदम एक खराब से खराब कंडीशन में बोल रहा हूँ, अरे ऐसा होगा ही नहीं, मैं बहुत सारे क्वेश्चन में तुम्हें बताऊंगा जो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अपनी जो टैक्टिक्स है वो काम करेगी, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ उसमें। अब देखो मैं इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो माइंड है मेरे, जैसे मैं जैसे सोचता हूँ आप लोग वैसे चलाने की सोचो, देखो ये चीज़ याद रखना। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, इस यूपीएससी की तैयारी में जाने में सबसे बड़ी बात है, जो रिस्क लेगा वही आगे बढ़ेगा, ऐसे नहीं होता। अब जैसे ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस एक के पास अपनी उपग्रह नेविगेशन प्रणाली, ध्यान से समझना बहुत, मैं फिर बता रहा हूँ, ये ऐसे क्वेश्चन तुम्हें कहीं पढ़ने को नहीं मिलेंगे, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, यू हैव टू ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन पावर क्या है आपकी, आपने मैप रीडिंग कैसे की है, क्या है, अभी मैं बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहली बात है कि अपनी उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है, ध्यान से समझना, नेविगेशन मतलब कहाँ पे काम आती है, नेवी, ध्यान से समझना, नेवी मतलब नौसेना का संचालन इनमें काम आती है, संभाई सी बात है। तो ऐसे किसको जरूरत पड़ेगी जिसका समुद्री इलाका पूर्ण रूप से घिरा हो, समुद्र से घिरा हुआ हो, ठीक है, कनाडा वनाडा देखो तो बर्फ वर्फ उधर कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इजराइल भी जो है इधर वाली सीमा ही है, पर इधर तो लैंड से घिरी हुई है, इजराइल नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ऑस्ट्रेलिया को अगर आप मैप में देखा है आपने, ठीक है, और आपने जापान को देखा, अब ध्यान से समझना, अब अपने को पता है कि ऑस्ट्रेलिया और जापान में टेक्नोलॉजी में कौन आगे है, भाई सबाई से बताइए, देखो ये क्वेश्चन जो पूछने का तरीका वो चीज़ समझो, अपनी उपग्रह क्षमता है तो याद करो जापान जो है टेक्नोलॉजी मामले में बहुत आगे है, और दूसरी बात अपने को ये भी पता है कि जापान चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है, जापान इसका आंसर है, मैं एग्जाम में इन दोनों को काट दिया था। अब मैं फिर मैं बता रहा हूँ ये चीज़ समझो, यही अप्रोच है जो यूपीएससी क्रैक करवाएगी, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ आप लोग गधे की तरह मेहनत कर रहे हो, वो तरीका नहीं है। अरे इसीलिए बार बार बता रहा हूँ, ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि यही मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि लास्ट ईयर पेपर बार बार देखो, बार बार देखो, बार बार देखो, ये आपको इनरीच कराएगा कि भाई मेरे को क्या कौन सा रास्ता अपनाना है। अब मैं फिर बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे, ये चीज़ समझो, ये ऐसे ही ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन सोल्व होंगे। अभी रुको जाओ मैं एक और, अब देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, अब मैं उससे भी करवाऊंगा आप लोगों को, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, निहारिका वाला यूपीएससी क्वेश्चन पूछा 2011-12 में जाके देख लेना, ये 2021 वाले पेपर में जाके देखो, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये पता ही होना चाहिए, यूक्रेन की सीमा वाला था, ठीक है, ये 2019 में जाके यही सेम क्वेश्चन, ठीक है, यही सेम टेक्निक वाला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, ये देखो ये 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका, 3 बार, और ओनली मैं फिर बता रहा हूँ, पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये जाके देख लो आप 90-95 पे उधर मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है, कोयला वाला मैंने कितनी बार बोला था, यहाँ क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है। अब मैं टैक्टिक तो, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है बोल विषय पद्धति, मैंने क्या बोला था, कोई भी नया क्वेश्चन बन रहा है डायरेक्ट यही आंसर, यही आंसर है इसका, और मैंने जाके मेरे वीडियो देख लो, मैंने 2011 से लेकर 2022 तक सारे पेपरों में बोला था, कोई नया क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं यही आंसर आता है, जाके देख लो वो जो महिला गार्ड वाला था उसका भी यही आंसर है, कोई नया कॉन्सेप्ट बन रहा है, नया क्वेश्चन बन रहा है। अरे मैं इसको क्वेश्चन, एक तो तरीका ये भी है, नहीं वो तो जो ज़्यादा देखो समझो, पद्धति, पद्धति क्या होता है, मेथड होता है। अब देखो 67 इंग्लिश में पढ़ो, मेथड है, ठीक है, ध्यान से समझना,
मेथड हो गया, तो मेथड किस चीज़ में अपनाया जाता है? मान लो कि बहुत ज़्यादा कोई बीमारी बढ़ गया, उसको कोई कंट्रोल करने में मेथड, समझो ये चीज़, तो कहाँ बात की जा रही है, कंट्रोल की कहाँ बात की जा रही है, ये तो बनाने की बात करिए नहीं, ये प्लास्टिक उत्पादन करना, प्रोडक्शन की बात कर रहा है। पद्धति मतलब सब ऐसी बात है कि कोई चीज़ है, कोई समाधान दे रही है। मैंने इस टाइप के कॉन्सेप्ट क्रिएट करवाए थे भाई, कब कोई यूपीएससी कोई क्वेश्चन पूछ रहा, क्यों बना रहा है क्वेश्चन, ये चीज़ अपने माइंड में रखो। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन था जिसमें डायरेक्ट आंसर आ, देखो ये रिद्धि ने भेजा था डायरेक्ट, उसमें सोचो डायरेक्ट दिया हुआ था, डायरेक्ट योजना में दिया हुआ था क्वेश्चन। अब देखो आज ही पढ़े थे अपन केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के संदर्भ, मैंने बोला था इसलिए क्वेश्चन पूछा। अब देखो यूएस ये डॉलर या SWIFT प्रयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव है? नहीं, याद करो ये बताओ, ये क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा था, रशिया ने जब यूक्रेन पर अटैक किया था ना, अगर आप लोग इसलिए बता दो करंट अफेयर थोड़ा बहुत आइडिया नहीं। अब जैसे मुझे पता लगे फट से भाई ये वहाँ से क्वेश्चन है, तो उस टाइम क्या था कि जो डॉलर का इतना प्रभाव है यूएसए का, तो इन्होंने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो रशिया ने क्या किया था, कुछ ही नहीं, उन्होंने एक अपना खुद का एक आईपी एड्रेस मतलब उस टाइप क्रिएट किया सिस्टम, और उन्होंने पेमेंट किया फिर यूरोप यूरोप को ऐसा। तो भाई करना संभव है, ठीक है, प्रयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा को में भुगतान करना संभव है, कोई विधि डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रगमित प्रतिबंध है, जैसे कि इसके व्यय के समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती, शक्ति वाले स्टूडेंट सही होते हैं। तो यह था कि उसके बिना ऐसा नहीं, ऐसा था कि उन्होंने ऐसे कर दिया था, मतलब जो भी है, मतलब मेरा कहना मतलब ये चीज़ समझो। अब देखो ये जो इस टाइप के क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ जो ये आते हैं, ये बीटा शब्द क्या है, वित्त के संदर्भ में पूछा, तो सब ऐसी बात है, इसको उस तरीके से करेंगे, मतलब पर मेरा कहना मतलब कि ये चीज़ समझो, यही टेक्निक है जो आपको, ये मैं फिर बताऊँ कहीं नहीं। अब देखो ये मेंस का टॉपिक है, रुक जाओ, एक क्वेश्चन था जिसमें डायरेक्ट मतलब कुछ भी नहीं करना उसमें। अब ये देखो ये क्वेश्चन मैंने बताओ, ये क्वेश्चन मैंने जो बनाया उसका सीधा सा मैंने यही था, निम्नलिखित में कौन सा एक देश है दशकों से गृह कलह खाद्य संकट से ग्रस्त रहा है, ठीक है, हाल ही के पिछले दिनों में गति अति गंभीर दुर्दृश्य के समाचारों में था, ठीक है, तो सोमालिया था, सोमालिया था, कौन था, सोमालिया था इसका आंसर। और इसका रीजन आप आगे देख लो, 2018 में क्वेश्चन आया था सेम, 2018 में क्वेश्चन है ये, और मैंने उसी आधार पे किया था। नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं है, रुक जाओ, ये वाला था गृह युद्ध के कारण कहाँ पे क्या हो रहा है, रुक जाओ वो क्वेश्चन, जो जीएम फसलों का, ये आप 2022 के पेपर में जाके देखो ना, ये वाला जो है वहाँ पे 2022 का पेपर में जाके देखो, वहाँ मिल जाएगा आपको। अरब एकॉर्ड उस टाइम कितना ज़्यादा चर्चा में था, डिग्री विग्रे मैंने बताया था उस दिन। हाँ ये वाला क्वेश्चन है ना, सख्त तख्ता डायरेक्ट, मैंने कुछ ही नहीं देखा ये जाके। अब मैं तुम्हें 2018 वाला, रुक जाओ मैं 2018 का पेपर बताता हूँ तुम्हें, ना ध्यान से पढ़ लो। हाल के वर्षों में चाड, गिनी, माली और सूडान ने निम्न किसी के कारण अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, जो इन सभी देशों से संबंधित है, कोई ना कोई कॉमन फिक्चर होगा, सख्त तख्ता पलटता इसीलिए आता है। अभी 2018 का क्वेश्चन मैं बताता हूँ, यूपीसी पेपर डाउनलोड हो, ठीक है, अब ध्यान से देखना वो क्वेश्चन है ना, है ना, ये वाला क्वेश्चन देखो, 2012-13 में डायरेक्ट आया था, तो सोचो 2018 में डायरेक्ट रिपीट हो, सेम डिक्टो, एक लाइन भी चेंज नहीं किया, एक लाइन भी नहीं। तो ये पीवाई क्यों, समझो ये चीज़ क्यों हो रही है, क्या है ये, जब तक तो पेपर एक एक क्वेश्चन पेपर नहीं रटे रहेंगे ना, तब तक ये नहीं। देखो इसी टाइप का, देखो ये नेचर सेम नेचर क्वेश्चन क्या 2023 में पूछा था, मतलब समझो क्वेश्चन पूछने का, याद करो जो पुरातत्व वाला पूछा था उनके तीन नाम दे दिया था, कौन है क्या है किसे संबंधित है, याद करो। फिर 2021 में भी आया था नाट्यकार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, इस टाइप के क्वेश्चन बना रहा हो, तो ये क्वेश्चन फ्रेमिंग का तरीका समझो, वो क्यों बना रहा क्या है। देखो ये रहा, बिल्कुल हाल ही में निम्नलिखित किन देशों में लाखों लोग या तो भयंकर अकाल या कुपोषण से प्रभावित हुए, उनके युद्ध संघर्ष से जलते कारण हुए, देख लो ये डायरेक्ट क्वेश्चन 2023 में, अभी मैं और बता रहा हूँ।
ये चीज़ समझो, मतलब आप PYQ का ऐसे हल्के मत लो उसको, हल्के में ले रहे हो मैं बताऊँ तैयारी नहीं है, कुछ ही तैयारी नहीं है। और मैं फिर बता रहा हूँ अब की बार UPSC 2024 में ये क्वेश्चन आ सकता है, टू स्टेट सॉल्यूशन था, इजराइल से रिलेटेड है, वापस ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इनका फिर से मैं बार बार देख रहा हूँ, इनको देख लेना। हाँ जिस साल मैंने 2018 का अटैम्प्ट दिया था ना, तो उस टाइम मेरा ये था कि जैसे ये वाला क्वेश्चन है ये मैं शायद सोल्व कर लेता, और मेरा ये था उस टाइम मैं डेली है ना न्यूज़पेपर को ऑब्जर्व करता था, उसी से ही क्वेश्चन सोल्व हो गए थे। इसी समझो, डेली न्यूज़पेपर अगर आप फॉलो करते हो न्यूज़पेपर को फ़ायदा मिलता है, एटलीस्ट आप ऑब्जर्व करना सीखो उसको। देखो कुछ चीज़ें ऐसी कॉमन चीज़ें हैं वो करनी ही पड़ेगी आप उसको। अब देखो यही क्वेश्चन डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट CRISPR-Cas9 ये डायरेक्ट आया 2019 में, फिर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये क्वेश्चन आया 2019 में 20 में आया डायरेक्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ चुका है। अब ये बचा हुआ है मैं फिर बता रहा हूँ, इस पर पूछ लेगा, इस पर काम कर लेना R&D। देखो ये देखो, अब देखो यही क्वेश्चन देखो, इसका तो इंटरनेट ऑफ थिंकिंग आंसर था इसका, VPN पहले 2011-12 में पूछा हुआ है, IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है ये क्वेश्चन बना, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल क्या होता है अभी पता कर लेना, वो ऐसे क्वेश्चन बनाता है ठीक है। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होगा, 3-4 बार 2022 में भी आया, तो मैं फिर बार बता रहा हूँ इन चीज़ों को करना पड़ेगा। देखो ये रहा अभी जैन में, अब यही सोचो कि 2023 में क्वेश्चन है, जैन मत भाई, जैन धर्म के बारे में पढ़ लो, बहुत मत पढ़ लो, वैष्णव मत, यही चारों ऑप्शन है अब की बार भी, यही चारों ऑप्शन है उसमें जो क्वेश्चन पूछा था उसमें। अब देखो हीरो और खादानों का ये देखो, ये चार नाम पढ़ लेना, यही सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी उधर है ना। ये वाला क्वेश्चन अगर आप UPSC PYQ में जाके देखोगे तो मिल जाएगा, दूसरी बात NCERT पढ़ोगे बेसिक हिसाब से, हिमाचल प्रदेश में क्या जरूरत है भाई कतिम झील की, उत्तराखंड में क्या जरूरत है ठीक है। अब कोलेरू द्वीप याद करो आपकी भाई UPSC 2023, ये चीज़ समझो आप लोग, समझ नहीं रहे हो PYQ को इंपॉर्टेंस समझो, डायरेक्ट कोलेरू द्वीप पहला क्वेश्चन था आपकी भाई UPSC 2023 का। सबसे ज्यादा कतिम झील की जरूरत क्या पड़ेगी, तमिलनाडु में हमेशा पानी की दिक्कत रहती है, कोडाइनूर यही है, अरे तो अपने को पता है कि प्राकृतिक झीलें हैं, डायरेक्ट पता है अपने को, डायरेक्ट आंसर आ गया। और मैंने क्या बोला, नया क्वेश्चन बना रहा तो ये आंसर ठीक है। मैं फिर मैं एक बार बार ये चीज़ ये बोला हूँ, ये PYQ को समझो, ये ऐसे नहीं बनाते हैं। अभी देखो मैं तुम्हें ना एक और चीज़ बता रहा हूँ, अब देखो ये जो चीज़ें हैं अब इसका एक एक ऑप्शन ये पता होना चाहिए, कौन सा साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये एक एक पता करो इसके बारे में। ये देखो ये सल्फर चक्र है ना, 2021 में यही पूछा डायरेक्ट, यही क्वेश्चन आया जाके, यही क्वेश्चन अभी मैं बताता हूँ रुक जाओ, यही क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लो ठीक है। कृषि मृदा संदर्भ में गंधक चक्र में मृदा कोई भूमिका नहीं होती है, मृदा में कार्बन पदार्थ कुछ धारण क्षमता, ये आएगा सल्फर चक्र जो है उसमें ये भी पूछा ही था वो, ये ना ये NCERT का डायरेक्ट है, एक एक लाइन एक एक वर्ड, ये वाला एक एक वर्ड ये NCERT में दिया, एक एक लाइन है ना ठीक। अब देखो फोर्ट विलियम कॉलेज यही डायरेक्ट UPSC 2020 में क्वेश्चन बना, यही सेम डिक्टो, बस उसमें पूछ लेते इसका उद्देश्य क्या था, क्यों बनाया गया था। हाँ ये देखो ये 2022 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया ये ठीक है, क्रीमिया हंगरी याद करो 2023 में UPSC 2023, बस आपको यही पता करना था क्यों जाके वो था, क्या हो रहा था वहाँ पे, बस क्यों ये चर्चा में थे, और वही क्वेश्चन पूछा है, ये NCERT में डायरेक्ट दिया था अरुणाचल प्रदेश से ठीक है।
अभी आखिरी वाला मैंने क्या बताया था आप लोगों, रुको एक मिनट, आखिरी आखिरी में क्या था इसमें, केटोलेनिया क्रीमिया, ठीक है मैंने ना ये याद रखना और मैं, ठीक है अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ 2022 का पेपर और 2023 का पेपर, 2022 वाला डाउनलोड होगा ना, ये तो ठीक डायरेक्ट सकता प्लेट से रिलेटेड था, ये है PYQ में आगे जाके देखोगे है ना, जो मैं ये जो बता रहा था ये वाला क्वेश्चन, ये 2022 में है, अभी इसको मैं बताता हूँ ठीक है, ये 2022 में है। अरे जो क्वेश्चन था ना कहाँ पे भुखमरी ऐसा क्या हो रहा, वो क्वेश्चन जो है अंगोला अंगोला, ये क्वेश्चन देखो मैंने बताया था इस टाइप क्वेश्चन 2018 में पूछा, इस टाइप का नेचर, ये तो मुझे बस इस अलग जनरल से मुझे पता लगा था इसका मेरा सही था, ऐसे तो आप पढ़ोगे ना मतलब हिस्ट्री के तो वह मिल जाएगा, तो मुझे इससे पता लग गया था ठीक है, कहाँ गया वो क्वेश्चन भुखमरी वाला। हाँ देखो ये क्वेश्चन याद करो, यही सेम क्वेश्चन था 2018 में और वो वाला भी मिल चुका, ठीक है अब रुक जाओ मैं 2022 वाला तुम्हें बताता हूँ, जिसमें ये जो अब की बार आया है वो भी है और जो उधर 2018 में पूछा था वो भी है, केटोले ने याद रखना, अब ये देखना ध्यान से समझना इस चीज़ को मैं बता चाह रहा हूँ, देखो ज़्यादा ऊंची इधर उधर मत भागो, रिपीट होता पेपर ये चीज़ याद रख लेना, देखो ये वाला जो है रिपीट है, अब देखो ध्यान से देखना ये रिपीट क्वेश्चन है, आप जाओ उठा के देख लेना, ये वाला रिपीट है, ये वाला देखो, अरे हाँ देखो आपने किधर किधर देखा, ध्यान समझना इधर देखो देखो देखो, रुक जाओ एक और 2022 के देखो, 2019 के पेपर में देखा वही ट्रिक्स 2023 पे अप्लाई हो रही है, वो 2022 में देखो, ये दोनों क्वेश्चन है इसका आंसर इसके अगले वाले में है, यही आंसर है, देख रहे हो ट्रिक, तो ये चीज़ समझने का प्रयास करो ठीक है, अब रुक जाओ एक और है, वो तो मैं टेक ट्रिक बता चुका था कि दोनों ऑप्शन सेम रहता है, भूमि संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र संपूर्ण नहीं होगा, तो यह वाला इसी का ये आंसर था ठीक है, तो वो तो है एक, मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ वो रुक जाओ मैं दिखाना चाह रहा था तुम्हें, तो ये वाला क्वेश्चन याद करो, यूपीएससी 2018 में आया था RLC के बारे में कौन सा सूख चुका है, उसी सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा कि पश्चिम अफ्रीका के निम्नलिखित जिलों में से कौन सी है एक जो सूख कर मरुस्थल बदल गई, लेक विक्टोरिया लेक फोगोइन ओगोटा वोल्टा, अब विक्टोरिया तो ऐसे बहुत बड़ी लेक है तो ये तो क्या ही होगा आंसर, तो ऐसे भी वो कॉमन सेंस लगाना वो तो मैं चलो ठीक है छोड़ो, अभी मैं जो बताना चाह रहा हूँ देखो ना मोनोजाइट ये याद रखना, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिद्धि ने भेजा था डायरेक्ट, ये याद करो 21 जून 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का मैंने उसी कॉन्सेप्ट पे किया था, दूसरा पकड़ा ठीक है, अबे देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है ठीक है, Web 3.0 का भी देखो उधर दिया हुआ था, अगर आप वो पढ़ोगे साइंस रिपोर्टर पढ़ोगे तो उसमें दिया था क्यूबिट का,
छोड़ा, अभी जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो सुनो, ये वाला भी अगर मिलेगा ना आपको मिल जाएगा, डाउन टू अर्थ मैगजीन में डायरेक्ट इसका पूरा आर्टिकल आया था। बायोरॉक टेक्नोलॉजी ये पता होनी चाहिए, तो बहुत बड़ा था, सेल गैस के लिए काम आती है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड पूरा का पूरा है ना। अरे एक और चीज़ सुनो, ये ऑब्जर्वेशन सुनो, मतलब मैं फिर बता रहा हूँ ना, देखो क्यों न्यूज़पेपर देखते रहने चाहिए। देखो जैसे है ना, अगर आप कोई आप में इसको जर्नलिज्म वाला है ना, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, डाइवर्सिटी ऑफ द फ्रेंड्स भी होनी चाहिए। जैसे एक मेरे स्टूडेंट है वो एमपी में, तो जैनिज्म है ठीक है, मतलब जैन धर्म को फॉलो करती है, तो कभी उनको देखना वो जैसे वो उनके जो त्यौहार मनाते हैं ना उसमें आता है ठीक है। तो ये वाला जो पर्व है ना मोस्टली लोग जैनिज्म वाले लोग मनाते हैं आराम से, मतलब मेरे कहने में मतलब कि डाइवर्सिटी ऑफ द फ्रेंड रहेंगे तो ये चीज़ें ये वहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये वाला भी क्वेश्चन भी आपको वहीं से पता लग जाएगा। अरे ऐसे मैंने बोला था जैनिज्म हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है, आप उसको बिल्कुल भी वैसा मत लो, जैनिज्म हमेशा इम्पोर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। रुको 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 रुको, हाँ ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जाके आप पीवाईक्यू में जाके देख लेना। अरे कहाँ गया, इसमें मैपिंग वाले जो क्वेश्चन आए थे ना, हाँ ये रहा। याद करो ये दिया था 2023 में, सोमालिया दिया था उधर और सूडान भी दिया था ठीक है। तो मेरा समझो ये चीज़, और यही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उधर भी ठीक है। रुको अभी केटो लेने वाला भी आएगा, केटो लेने ये रहा, कैटलोनिया स्पेन डायरेक्ट, ये इधर गया ये इधर गया, तो सबाई बात दो ही सही होंगे, ये दो 2018 में डायरेक्ट सेम कैटलोनिया स्पेन में है, बस किसी को इतना पता होता है क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। और मैं फिर बता रहा हूँ ये अब की बार फिर से आ सकता है। अरे वो अब देखो ये रहा मैं बता रहा था ना कि क्यों वो क्वेश्चन मैंने देखा था रिपीटेड है डायरेक्ट, ये देख लो चार्ट गिनी, और यही डायरेक्ट पूछा था किस कारण से है सैनी तख्ता पलट, यही 2023 का क्वेश्चन। अब बोलो तुम लोग, तो अब मतलब समझो वो डायरेक्ट कुछ भी नहीं कर रहा, वो यहाँ से क्वेश्चन को ही वहाँ आंसर बना रहा है। अभी रुक जाओ मैं दोबारा है, तुम लोग ध्यान समझो इसको पढ़ लो ठीक है। और वो 2023 वाला क्वेश्चन देखना, क्योंकि एक तो 2018 मिल गया था अपने को ठीक है वो डायरेक्ट, और एक और जो है ये रहा, ये देखो एक तो ये तो मिल ही गया था अपने को, ये वाला जो क्वेश्चन था चार गिनने वाला, देखो चार्ट गिनी माली तीनों को तीनों नाम दिया था वहां पे। अरे आंसर, अब तुम लोग खुद ही सोच लो कि बिना पीवाईक्यू, मैं इसीलिए क्यों बोलता हूँ कि भाई पीवाईक्यू और सिलेबस के बिना तैयारी आपके मानी चलो 50% भी नहीं है, अगर आप इसके बिना अगर ऐसे भाग रहे हो कुछ भी कर रहे हो कोई मतलब नहीं। पीवाईक्यू में सिर्फ रट्टा मारने की वो है ना ना सर ना ना आदत। वो गलत है ना अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने देखो कितनी सारी चीज़ें मैंने निकाली है पीवाईक्यू से, और मैं सही बता रहा हूँ भाई, हाँ आपने जैसे किया ना वो ऐसे ही अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है। पर वो फिर मैं बता रहा हूँ खुद से करो। देखो ना बात क्या होता है, आप लोग समझते नहीं हो,
देखो ना, जैसे मान लो कि देखो अब मैं हकीकत बता रहा हूँ अपनी चीज़ है ना, रियलिटी बता रहा हूँ। देखो जैसे वो जो चीज़ें मैं मान लो मैंने सीखी, आप लोग उसको इंटरनलाइज नहीं करोगे जब तक, तो अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ समझो। और मैं आपकी हकीकत बता रहा हूँ, आपकी बात जो 2023 का पेपर था, लगभग मेरे 60-70% नंबर आ रहे हैं, ठीक है। हकीकत बता रहा हूँ ना, मुझे इस पेपर में पहली बार, मैं इतने सालों में इतने पेपर मैंने दिए, ठीक है। और वो कारण थोड़ी लापरवाही भी थी मेरी, पर मैं होनेस्टली बता रहा हूँ रिव्यू, कि रियलिटी में इस पेपर मुझे 5-10 क्वेश्चन भी नहीं आते थे। आखिर बता, पेपर था ही ऐसा है, बात ऐसी भी थी। और दूसरी बात ये भी था कि रिलेटिव थोड़ा पढ़ाई भी कमज़ोरी है, वो जो भी है। पर अब सोचो फिर भी मेरे इतने नंबर आ गए, उसका रीज़न ये है कि मेरे पास जो टैक्टिक्स है, पर टैक्टिक्स में तभी हेल्प करेगी जब आपके बेसिक्स अच्छे होंगे। इसलिए मैं बताऊँ, NCERT अच्छे से पढ़ लो, कल्याण हो जाएगा। मेरे टैक्टिक्स को यूज़ कर लोगे, पक्का मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ, निकल जाओगे। पर ये याद रखना कि बेसिक्स जो है वो अच्छे से कर लेना, क्योंकि ऐसा भी नहीं हर क्वेश्चन भी नहीं लगाने, मेरी टैक्टिक्स लगेगी। मैं फिर बता रहा हूँ, PT उसी से निकलता है। मेरे 93 नंबर जो आए थे वो यही रीज़न है, और कोई रीज़न नहीं है, ऐसा नहीं कोई। परंतु हाँ, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, बेसिक्स अपने अच्छे रखना। जो मेरी टैक्टिक्स में सिखाऊंगा ना, मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ, आप अगर मान लो इधर 40 क्वेश्चन कर लिए, NCERT पढ़ लिया, योजना कुरुक्षेत्र पढ़ लिया, 40 क्वेश्चन सही कर लिए, गारंटी साथ बता रहा हूँ, 120+ पास जाएंगे नंबर, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। पर बेसिक्स क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, उसके लिए बेसिक्स NCERT बार बार पढ़ो, रगड़ो अच्छी तरह, क्योंकि एक एक क्वेश्चन NCERT से बन रहा है, एक एक क्वेश्चन। और जो बेसिक क्वेश्चन बन रहे हैं वो वहाँ से, और जो नहीं बनेंगे तो वो तो फिर अपने पास टेक्टिस्ट है ही उस चीज़ के लिए, उसके लिए घबराना है ही नहीं अपने। और इतने मेथड है मेरे पास, मैं सही बता रहा हूँ पेपर, पर बात है मैं उस पर फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होना है, वो खतरनाक है। तो इसलिए यार, मैं कुछ काजल कुछ बोल रही थी, क्या बोल रही थी काजल, बोलो। सो गई काजल तो, ठीक है। तो ये चीज़ समझो। हाँ बोलो काजल। सर उसके पापा बात करने के लिए कह रहे हैं आपसे, काजल के। चलो ठीक है, तो फिर अभी मैं क्लास एंड करता हूँ, फिर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लो, मतलब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। PYQ को मैं फिर बार बता रहा हूँ आपको, मैं जैसे आज मैं उसको पढ़ा रहा था सुधा को, तो मैं देख भाई, मुझे एक ही लाइन में पढ़ रहा हूँ तो मुझे UPSC PYQ की याद आ जाती है, भाई ये क्वेश्चन उस साल आया है। डायरेक्ट PYQ में एक, जो NCERT में एक एक लाइन है ना, क्वेश्चन बन रही है डायरेक्ट डायरेक्ट एक एक लाइन। तो NCERT को पढ़ते वक्त भाई, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप लोग आज भी बिना PYQ के पढ़ाई किए जा रहे हो, अमित बोला मैं 5 घंटे सो रहा हूँ, भाई कोई मतलब नहीं है। PYQ रटे हुए होने चाहिए, सिलेबस रटे होने चाहिए। अरे PT के नहीं है, PT+ Mains दोनों। आपको एक एक क्वेश्चन अपने माइंड में घूमते रहना चाहिए, भाई ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा। तो जब आप NCERT पढ़ रहे हो तो भाई वहाँ एक पता होनी चाहिए, जैसे मुझे एक ही चीज़ क्वेश्चन याद है कि कहाँ पे कौन सा दिया हुआ है। अब जैसे आज मैं तो इधर उधर, तो मैं लोगों कैसे करवा दी इतनी जल्दी कि ये क्वेश्चन देखो वहाँ पर दिया हुआ है। तो ये चीज़ समझो, जब तक आपके माइंड में चीज़ें रची गई बसेगी नहीं ना, तब तक तैयारी नहीं होगी। और मैं फिर बता रहा हूँ, UPSC की जर्नी बिना PYQ और सिलेबस के जितना डिफ़िकल्ट आप सोच भी नहीं सकते, बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर ये अपना लिया तो इतना इजी है, आपको मतलब आपकी मंजिल नजर आ जाए, क्लियर हो जाएगा। मतलब ये कि आपको टेंशन नहीं होगी, ये एग्ज़ाम कैसे निकलता, क्या है ये, वो हवाबाजी जो इस एग्ज़ाम की और डर का वो निकल जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना। रही मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, CCET के जिनके कमज़ोर है वो बार बार, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। CCET पे काम करो सब लोग, CCET को मत लो, NCERT कर लो। क्योंकि देखो मैं GS में हेल्प कर सकता हूँ, टेक्टिस्ट उसमें भी है, पर मैं फिर बता रहा हूँ, देखो हर चीज़ें फिर मेरे पे भरोसा होकर जाओगे तो फिर क्या कर रहे हो, एटलीस्ट खुद की तरफ से। तो मैं देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं इतनी भूमिका में रहूँगा आप लोगों को पुशअप करने का, भाई आप एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर हो रहा है तो मैं पुशअप कर दूंगा, उतनी मेरी भूमिका। अपन उस लेवल पर तो पहुँचो ना आप, तो ये चीज़ याद रखना, उस लेवल पर पहुँच जाओ, मैं इतना गारंटी बता रहा हूँ कि हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, फिर बाय बाय, गुड नाइट। और मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, PYQ देखते रहो, बिना PYQ कुछ ही नहीं है। और मैं फिर बता रहा हूँ, रिद्धि जो काम कर रही है, आप लोग खुद से भी कीजिए ये काम, ठीक है। हम हेल्प कर सकते हैं आप लोगों के, पर मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, खुद से करो, खुद एक बार जाके देखो भाई ये क्वेश्चन कब आया था, योजना में एक दिन उठा पहले, मेरे पास पड़ी हुई है लगभग लगभग, मैं पिछले 5-6 सालों की योजना कुर्सी पर रखा हूँ, पढ़ा नहीं पर है तो। पर मैं बता रहा हूँ कि जैसे रिद्धि ने याद करो, सारा टेलीग्राम पे भेजा भी था उस ग्रुप में, तो जाके खुद देखो। कोई मान लो कि जो भी मैगजीन, PT में क्या क्वेश्चन आया, मेंस में क्या, अब इससे इसके लिए क्या होगा भाई, जब पता होगा तभी तो देख पाओगे ना। इसीलिए मैंने बोला था एक एक क्वेश्चन रटा होना चाहिए। याद करो, मैंने जून का पूरा महीना दिया आप लोगों को, क्यों दिया? अगर आप लोग जब सीरियस नहीं लेते ना, तब ये सारी चीज़ें होती हैं,
बेसिकली मैं डेली क्या करूँगा, आखिरी क्लास में 10-15-20 मिनट ऐसे ही करवाऊंगा, पेपर दिखाऊंगा, मेंस वाले जब टॉपिक तैयार हो जाएंगे, शुरू होंगे इकोनॉमी, तो मैं मेंस वाले क्वेश्चन देखो बार बार, यही चीज़ है यूपीएससी में, फिर बता रहा बहुत ईजी हो जाएगा अगर ये चीज़ बार बार करोगे तो। पेपर याद है क्या, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी, क्या वो जानना चाह रहा है, किस लेवल पर यूपीएससी पहुँच चुका है, हम कहाँ पर है, जब तक ये नहीं पता होगा तो फिर क्या ही तैयारी करोगे। ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं फिर कल।